ये ओके, दूल्हा दुल्हन का नाम चीटी जितना छोटा और बचुलिए का नाम हाथी जितना बड़ा। बिना लड़का लड़की की शादी हो सकती है? बोले तो भाई का नाम जिस शादी में ना हो, शादी फ्लॉप। टीके की इच नहीं। अरे भाई, मुगल की औलाद से के। अगर अपना मानिक भाई चाहे तो इंसानों की, जानवरों की, भूत प्रेत की, पिशाच की, यहाँ तक की सल्लू भाभी की शादी करवा। ब्रेक लगा। क्यों भाई की इज्जत का कांदा पोहा कर रहा है? चल तू बता। अपन बोलेगा, अपन का भाई ठान लेना तो बोनो की भी रिंग सेरेमनी करवाएगा। चाहे कोई भी मोटी लड़की घर में बैठी हो, उसकी पतले लड़के के साथ फिक्स करा देगा। आज तक तुम लोग ने जूते चप्पल बनियान की गारंटी सुनी होगी, लेकिन अपना भाई टिकाऊ शादी की गारंटी देता है। जो मानिक ब्यूरो से रिश्ता जोड़े उसको बीवी चप्पल से कभी ना तोड़े। एक साल की गारंटी। अरे काय की गारंटी, दूल्हा दुल्हन साफ नहीं होने की जरा लड़ रहे हैं। मानिक को जल्दी बुलाओ। ये गंजे ठंडा ले ठंडा ले। जैसे चिराग घिसने पे जीना आता है, वैसे ही मुसीबत आने पे अपना भाई आता है। ये तो लॉस है, पक्को मारवाड़ी हूँ। बिना पिस्सा के कैलरी ना जलाऊं, पोटी चाहे कितनी भी जोर से आई हो, पिस्सा खर्च ना करूं, सड़क किनारे कर लूंगो। आजा, मैं भागूंगो, तू पीछो करेगो, सारा घी जल जाएगा। इससे अच्छा 28 रुकता हूँ, पकड़ ले। तू मारवाड़ी हो के इतना टाइम खोटी गाय को किया? अगर रुकना था तो पहले रुक जाता। बावड़े पर्दे पर हीरो की एंट्री देखिए कि ना, वैसे सेम टू सेम किया है। चला आजा। चला। अबे कई करे रही हो बावड़े, हड्डी टूटी तो खर्चो पता है कम से कम एक पेटी। सॉरी भैया, वो सिनेमा में देखा था ना। सिनेमा वालों का काम है चुना लगाना, तुम्हारे को चुनो लगाएगो। दीदी दीदी, सुंदर चेहरे पे डायन वाला एक्सप्रेशन क्यों? मेरी फिर की ले रही आए बे। अबे पांचवी फेल होते ही मैंने कसम खाई थी कि शादी नहीं करूंगी, लेकिन चंद पैसों की खातिर मेरे हाथ पीले करके तूने मुझे स्टेज पे धकेल दिया। तो पिस्सा वसूल हुआ ना? किधर हुआ बे, चंदन में महक रही है। उधर देख, मियां मेरा काजल तक नहीं फैला सका और खुद ही फैल गया। यानी ससुरो अर्थी पे ही लेट गयो? एक साल की गारंटी दी थी ना, ससरा एक रात में निकल लिया। यो तो बहुत बड़ी बात है, खारे संग जो एक दिन टिक गए हो। क्या बोल रही है अबे? नहीं नहीं कुछ नहीं। सुंदरो तलगाजी जो चाहिए। क्या भाया, एक चीज मांग दो दो ना मिले। मेरे को तो कॉम्बो चाहिए। फिर से शादी? हाँ रे बेटा, पहले तो आप मना करती थी शादी के लिए। दीदी शेरनी के मुँह में खून लग चुका है। किसका खून? दीदी मारे को जीजू की 13वीं के लिए बुलाया है क्या? अपने लिए कड़क दूल्हा ढूंढने के लिए बुलाया है। हाँ हाँ मिल जाएगा, लेकिन पैसे लगेंगे। अबे परवाह नहीं बे, दिल खोल के दूंगी। एक सेकंड है। हाँ बंटी, ये पीस कैसा है? दीदी तो शर्म से लाल पीली हो गई। कहीं रे, मुंह में लड्डू फुटिया के गुलाब जामुन फुटिया है? लगे रॉन्ग नंबर लग गया है। मेरे लिए परफेक्ट साइज है। उम्र में थोड़ा छोटा नहीं है दीदी? छोटा तो है पर देखना कितना मोटा है। गुरु लगता है आंटी को अपना तलाकशुदा बुढ़ा पसंद आ गया। सच से जानेगा तो तेरी बत्ती गुल हो जाएगी। मेरी बत्ती क्यों गुल होगी गुरु? क्योंकि वो थारे को धुल्लो मान बैठी है। घोड़ी चढ़ेगा या अर्थी पे? नहीं नहीं नहीं, दुल्हन तो मैं हूँ, शर्माना तो मुझे चाहिए। मेरा दूल्हा क्यों शर्मा रहा है? ओ, क्या है ना, चप्पू वाली नावे चलाई है, बड़ा जहाज नहीं चलाया। नया ड्राइवर है, इतना बड़ा जहाज चला लेगा क्या? अबे हिचकोले तो नहीं खाएगा बे।
ये तो कच्चा नींबू है। ये रहा जहाज का कप्तान, बड़े बड़े जहाज डुबाए इसने। ये है? तो फिर ये कौन है? मेरा असिस्टेंट है ये। मैनिक, मैंने आईफोन मांगा था और तू मेरे को चाइना फोन टिका रही है? वो तो ठीक है दीदी, पर चार्ज भी तो जल्दी हो गए। थोड़े पैसे बढ़ा दूंगी तो ये नहीं आएगा क्या? दीदी पहले इसकी एक्सपायरी डेट तो आने दो। ये बात है, इसकी कितने दिन की गारंटी है? पुराने माल की नो गारंटी। अबे चलेगा मेरे को? सुन बे, काला धन देंगे इसका मुंह काला कर। पार्लर से आती हूँ। सुहाग रात पे ही इसकी गर्दन पे पैर रख दूंगा, फिर ये घर मेरा। फोटो देख रहा, बुढ़िया ने इससे इतनी बैटिंग करवाई, क्लीन बोल्ड हो गया। अबे ओए, जीजू को हल्दी चंदन से रगड़ना चालू करो। चलो। ए प्रवीण, हार क्यों निकाल रहा है? दूसरी शादी में लगाने के लिए, शादी टूट गई ना। क्या माणिक का कराया रिश्ता कभी टूटे है क्या? अच्छा तुम ही बोलो मानिक दादा, 80 तोला सोना का हमको वचन दिया कितना? खाली 10 तोला सोना। अरे हम बंगाली है, कोई बेकूफ थोड़ी है, ये शादी ना होवे। बाकी भी मैं दे दूंगा पिताजी, हम इसी लड़की से शादी करेगा। चुप करो, इससे सुंदर भी मिल जाएगा, बारात वापस। चौकी बात है भाई, वचन दो तो निभाओ। मेरा भी यही मत है कि ये रिश्ता टूट जावे। अक्ल का बात किया मानिक, तुम मोरद है। मानिक तू भी थाली का बैगन हो गया। बात तो सही है, दहेज के नाम पर कितना माल अंदर किया? 10 लाख। मंडप और खाने में कितने का लोबान जला दिया? पूरा 5 लाख। तो कुल मिला के 15 पेटी। एक काम करो, तुम पहले इनका आने जाने का भाड़ा दे दो, और इन्हें जो 15 पेटी की चपत लगी है वो तुम इन्हें लौटाओ। जैसे को तैसा। जल्दी करो, ब्याज लगेगा। मानिक दादा की बोलची, अगर ये लेर की कुआरा रह गया तो बेचारा पागल का माफिक हो जाएगा। मानिक के रहते किसी की बेटी कुआरी रहे, असंभव बात है। गणी खम्मा। और कलेक्टर साहब कहीं हालचाल? आपके अच्छे दिन खत्म, मेरा मतलब शुरू। दुल्हन मिल गई है, पंडित भी तैयार है, किसी की शेरवानी मांग के पहन लो और 11 नंबर की बस पकड़ के दौड़ के सीधे हॉल में आ जाओ। घोड़ी का किराया दोगे ना? दूंगा मानिक, दूंगा। घोड़ी बाजा फ्री है, हनीमून के लिए चकदाना चले जाना। पिताजी हम जाएगा हनीमून पे। चुप कर रे, एक लड़की के लिए इतना उतावला? मानिक दा ये 1 महीना बाद देगा तो भी हमको चलेगा? ये खुद को बेच के भी पिस्से नहीं दे पाएगा, 2 महीने मान के चलो। चलेगा दादा, 1 साल बाद भी चलेगा। नो, ये शादी नहीं ना होगी। क्या हुआ? मैं कलेक्टर को अपना दामाद बनाऊंगा, इस घनचक्कर को नहीं। थारो सर फिर गए हो क्या? वो कलेक्टर ना है, बस कंडक्टर है। इससे बढ़िया लौंडा ना मिलेगा। ठीक है मानिक, मैं तेरी बात मान लेता हूँ, मुझे रिश्ता मंजूर है। सौदा फिक्स। फिक्स, चलो बेटा चलो। ये रिश्ता कैंसल। अब की होलो दादा? छोरी फेरे ना लेगी, पहले फीस चुकाओ। फीस तो दे दिया। वो तो कैंसल हो गई थी, ये नए सौदे के लिए इतनी मेहनत की उसका। दादा दादी पैसा दो। पैसे दो। ले बेटा पैसा निकाल। लो पकड़ो। लेकिन ले। खड़ी खम्मा। माणिक जिस छोरी के सिर पे हाथ रख देवे उसको सिंदूर की टिकड़ी लगना कन्फर्म है। सगाई की रस्म तो मलाई के माफिक हो गई है, अब शादी का मुहूर्त बर्फी की तरह है, निकाल दूं? एक बात तो बताना ही भूल गयो, वरुण को लंदन में जॉब मिल गई है, उसके लौटते ही शादी करेंगे। आप क्या कहते हैं चाचा जी? ठीक है पुत्र। एक बात कहूँ, लंदन से आते वक्त मेरे लिए आईपॉड लेते आना जरा। आईपॉड का क्या करेंगे पंडित जी? क्या करूं, अकेला हूं, रात में भजन कीर्तन सुनूंगा, बाद में उसी को तकिया बना के सो जाऊंगा। क्या है भैया? अरे डाइटिंग कर करके सूख के कांटा हुई जा रही है। अरे मावा कचौरी बनाई है, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी। अरे छोरी 1 बज गया, खाने का टाइम हो गया से। क्या 1 बज गया? मुझे नाश्ते की भूख लगी है। खाली नाश्ते की? जी हाँ, सही सुना, ये टाइम पे नाश्ता कौन करे है? अभी लंदन में कितना बजा होगा तू बता तो? 7:30। हाँ 7:30। इस वक्त वरुण मैकडी की पकौड़ी खा रहा होगा, इसलिए मैं भी नाश्ता करूंगी। बहुत अच्छे, सही जा रही है पुत्र। घनी खम्मा आइए ना। कितना ख्याल रखती है उसका, बीवी हो तो ऐसी। तेरी सास मेरे बगैर खाती है, तू ऐसा मत करना। नहीं, ये साड़ी तुम्हारे लिए। अरे ये सब की क्या जरूरत थी? ओ जी दुकान पर सेल लगी थी इसलिए खरीद ली, 70% ऑफ। हमारी बेटी से बढ़कर थोड़ी है जी, रोज बदल के पहन। ले बेटा। अरे माँ आप अभी तक यहीं खड़ी है, अपने समधी के लिए दाल बाटी चूरमा नहीं लाएंगी? अरे मानिक जी ये पेपर्स वरुण को लंदन भेजने हैं। ठीक है जी मैं भिजवा दूंगा। नल्ले पंडित,
आज मेरी कुंडली की आवाज क्या बता? शनि ने कसम खाई है कि वो आपकी जिंदगी बदल देगा। अच्छा? भाई अंदर आ सकता हूँ? अब आधे तो आ ही गए हो, पूरे आ जाओ, बैठो जी। हाँ जी बोलो, किसकी करवानी? मेरी इकलौती बेटी की। आपकी बेटी तो भजिए की तरह कड़क है, मतलब एकदम फिट है, इसको तो तेल में गुत्ते लगवाऊंगा। लगता है आपको मोतिया हो गया है, ये मेरी बीवी है। सॉरी मैडम, आपका मेंटेनेंस बहुत हार्ड है। देखो पैसों की परवाह मत करना, सुना है आपके पास बहुत हैंडसम लड़के हैं। हाँ शायद विकिपीडिया पे पढ़ा होगा। भाभी जी थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, आपकी बेटी फोटो देख। कसम पिंक सिटी की ऐसा नगीना तो पहले कभी नहीं देखा। बाहर आ जा। बेटी तो एकदम मम्मी पे गई है। कहाँ का लड़का चाहिए, अमेरिका का जवान या यूपी का किसान, बर्मा का फर्मा बरदार या जयपुर का रजवाड़ा? अपनी बहन के लिए देख, हम लोग पहले पसंद कर चुके हैं। तो अठे क्यों पता रहे? माणिक भाई के पास आए हो, मतलब आपकी पंडुब्बी कहीं फंसी है। करेक्ट बोला। जैसे कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता है, वैसे मेरी बेटी को शादी का लड्डू हजम नहीं होता। और इसी बात की चिंता में मेरा 12 किलो वजन कम हो गया। चिंता को मारिए गोली, जिस तरह दर्जी की गलती से कपड़े ढीले होते हैं, वैसे ही यहाँ लड़कियों के हाथ पीले होते हैं। नल्ले, हम तो बापरा हुआ माल भी बिकवा देते हैं। लड़की का इरादा बदलना है, उसको लाइन पे लाना है, तो थोड़ा खर्चा होगा, पैसे डबल लगेंगे। पैसे की टेंशन मत ले, ये ले एडवांस। ओके ओके। इसके प्यार में रोज कितने गिरते हैं? कैसी गिरी हुई बातें कर रहा है तू? मेरी बेटी लोगों का जीवन बचाती है, मुझे गर्व है उस पर। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे इंश्योरेंस नहीं करवाना। मेरी बात तो सुन। हेल्प, आ जाता है। हेल्प, मुझे नहीं, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे बहुत मारूंगी, सच बोल दूँ। रुक, स्टे चुप। डेड एंड आ गया भाई, आगे रास्ता नहीं। इधर आ, आना। आप लड़की होकर इस तरह से मेरा पीछा कर रही हो? और तू लड़का होकर इतना शर्मा रहा है? चलाना कुछ अंदर की बात करते हैं। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। वाह 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 वाह, कड़क, तू तो एक्सपीरियंस होल्डर है रे। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करता। इंश्योरेंस के साथ एक पप्पी फ्री, लिमिटेड ऑफर है। देखिए मेरी शादी होने वाली है, मेरी बीवी ही मेरा इंश्योरेंस है, फिर आपसे क्यों लूं? ठीक है मत ले। मैंने सुना है कि तेरी वाइफ बड़ी हॉट है। अंगार है। ओह ऐसा क्या? हनी को मून दिखाने कहाँ ले जाएगा? माथेरान की ऊंची पहाड़ियों में। बस से या ट्रेन से? ट्रेन में उसे कितने धक्के लगेंगे, उसे मेरे सिवा कोई धक्का ना मारे, इसलिए कार से ले जाऊंगा। एक हनीमून कपल माथेरान की वादियों में प्यार में डूबकर कार में बैठकर जिक जैक जिक जैक हो रहे हो। तुम्हारी वाइफ साड़ी में होगी, इससे वो और भी हॉट लगेगी, कंट्रोल होगा। माइंड ऑफ कंट्रोल को मैं तोड़ दूंगा। चिमटी काटोगे ना? हाँ, काटूंगा। उसका कुछ कुछ होगा और तुम्हारा कंट्रोल बिगड़ेगा। तो बिगड़ने दो ना। तो शोले भड़केंगे, भड़केंगे जोरों से। मैं कालो कुछ चुम्मी दूँ ना। हेलो, हनीमून के मूड में कार चलेगी क्या? मैं हॉर्न बजाऊं, गियर बदलूं या स्टीयरिंग संभालूं? प्रेम की डगर पर डगमगा जाओगे। तभी अचानक एक ट्रक आ जाएगा। तुम दोनों तो प्रेम की गाड़ी चला रहे होगे, और ट्रक वाला तो फुल लुटून होगा। इधर ट्रक, इधर गाड़ी, इधर ट्रक, इधर गाड़ी, और फिर टक्कर। ये कैसा अनर्थ है, मैं तो स्वर्ग जा रहा था, तुमने उसके साथ मुझे नर्क में भेज दिया। इसका कोई सलूशन है देवी? रुको, इंश्योरेंस का डाला तो हनीमून झिंगा लाला। इन सारे इंश्योरेंस पेपर पर बिना पढ़े साइन कर दो, 3 साल का एडवांस भी दे दो। आइडिया, हनीमून पर टैक्सी करके जाना। तेरे बीवी का इंश्योरेंस बाद में देखते हैं। मालगाड़ी के नीचे मरूं या एक्सप्रेस के नीचे कटूं? मालगाड़ी को डिब्बे ज्यादा होते हैं, अच्छा खासा कचूमर बन जाऊंगा। भाई, वेलकम टू सुसाइड पॉइंट भाई, प्लीज कम। मरने के लिए इतना उतावला, जरूर शादीशुदा होगा, बीबी से झगड़ा करके आया है क्या? सही पकड़ा, सेठ सजिए तो इधर ले। मरने के लिए भी ट्रैफिक हो रहा है। बस भाई, थैंक्स। हां किस लिए? एक हफ्ते से मरने का सोच रहा हूँ, हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तुमको देख के रगों में बहादुरी का ग्लूकोज चढ़ गया। भाई साथ में मरेंगे। पत्थर बहुत चुभ रहे हैं। चैन की नींद सोएंगे। आधार कार्ड तो है ना, ताकि मरने के बाद लोग बॉडी घर पे पहुंचा दे। वैसे भाई, एक सिगरेट है क्या? हाँ है तो, लेकिन तुझे नहीं दूंगा। काय को? अरे उससे कैंसर होता है।
सिगरेट के धुएं से ज्यादा तो पॉल्यूशन से मर जाऊंगा। इस बात में तेरे वजन जितना वजन है भाई। तीन गिनते ही हम लोग यमराज को याद करेंगे, ठीक है? ठीक है। 1, 2, 3। भाई भाई थोड़ी भूख लगी है, चल के बिरयानी खा के आए क्या? यहाँ अच्छी नहीं मिलती, नरक में खाएंगे। अब भाई खाना तो एक बहाना है, डर के मारे कल जो खाई थी वो ना निकल जाए। अबे 2 मिनट रोक के रख, ट्रेन अभी आती होगी, बैटरी गंदी मत करना। घर से डायपर पहन के आना चाहिए था, स्वच्छ भारत अभियान। मेरे को एक काम याद आ गया। अरे रुक, अरे मरे बिना जा रहा है, पाप लगेगा। बीवी के नाम पर अपने 10x10 की खोली लेके आता हूँ, ट्रेन आएगी तो चेन खींच लेना, जाने मत देना। आता हूँ, साथ में मरेंगे। बाय। इसमें तो हिम्मत का विटामिन कम है, जाने दो, मैं तो मर के ही रहूंगा। ए उठ रे, मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो यमराज, रंभा और उर्वशी मेनका कोई भी चलेगी। वो अभी जिंदा है, उठ जा। ए, कौन है रे तू? मैं दुख दबाव लेप हूँ, प्यार में कोई भी मजनू ना बने इसलिए भगवान ने भेजा तेरे पास। तो तुम मेरा मेल करा दोगे? ईमेल भी करा दूंगा। अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करो, क्या सोचेगी वो? शादी करनी है ना? हाँ करनी है, करनी है। अपनी चोंच बंद रख। अरे हौली हो गई है क्या रे तू? 2 मिनट रुको, बाराती आ रहे हैं। मैडम आपने फोन किया था क्या? जी हाँ सर, मैंने किया था। इनसे मिलिए, रिक्शे में 3 लोग बैठते हैं, इसने 30 बच्चे बैठाए हैं, ऊपर से सिगरेट फूंक रहा है जिससे बच्चों की सेहत खराब होगी। इसका ऑटो का लाइसेंस कैंसिल करवा के हाथ गाड़ी और ठेले का लाइसेंस दिलवा दीजिए। नागरिक का फर्ज मैंने निभा दिया, पुलिस का फर्ज आप निभाइए। 36 कैरेट का गोल्ड है ये। पसंद तो फाड़ू है तेरी। थैंक्स भाई। ए सर, लाइसेंस है क्या? नहीं है। आरसी बुक है तेरे पास? क्या है फिर ये छोरी करती क्या है? सॉफ्ट है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे बाबूराव, अबे मुंह खोल के दिखता ही रहेगा, जाके बोलेगा नहीं? कल बोल दूंगा। उसको प्रपोज किया? खुद ही देख लो भैया, क्लाइंट बहुत तंग आ गया, उसको कल फाइल भेजनी पड़ेगी। भेज दूंगा, समझ गया ना? थैंक यू। पार्थ वो इतने खुश क्यों है? अरे पहले वो टीम लीडर हुआ करती थी, पर मेरी किस्मत ही फूटी है। क्यों? वो मैनेजर बन गई। सुन बे, तू क्यों चल रहा है बे? नहीं तो निकल यहाँ से। अरे चल, भाग। ये जलता है उससे, इसलिए तो दुबला होता जा रहा है। काला भी हो गया। सही बोला। अच्छा अबे कहाँ जा रहा है? उसी के पास लव का दाना डालने। अब वो मैनेजर बन गई है, तू अभी जाके बोलेगा ना तो लगेगा चापलूसी कर रहा है, झापड़ मार के भगा देगी तुझे। तो फिर मैं उसको बोलूं कब? मैं बताऊंगा ना, हर चीज का टाइम होता है, जल्दी मत कर, आराम से पहले फाइल भेज। वो मैं देख लूंगी। ए बाबूराव। हाय। इकड़े बस। कैसे हो बेटे? पहले से आराम है। क्यों नहीं होगा, रोज कैंटीन में मिसल पाव खाता है। ए बाबूराव तेरे को पता चला क्या? किस बात का? मेरी शादी फिक्स हो गई। ए बाबूराव किधर खो गया तू? उसने मॉम डैड के पास जाकर मेरा हाथ मांग लिया, मॉम डैड को तीर्थ यात्रा पर भी ले जाएगा। तू मेरे लिए जल्दी से बैचलर पार्टी अरेंज कर दे। कर दे बेटा। वो लड़का मेरे माता पिता से बहुत प्यार करता है, मेरे लिए जयपुर से चुनरी मंगवा रहा है और शादी का सारा खर्चा उठा रहा है। तू क्या गिफ्ट देगा? कुछ बढ़िया ही देगा। बिस्किट। मुंह बंद कर बेटा। आंटी अंकल लो जान बनाओ। सॉरी यार सब अचानक हो गया, आ समझाता हूँ। मैं खा के आता हूँ ना। छोड़ना कलवे, एक दिन नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। देख बेटा, जब ये टीम लीडर थी ना और जब तू इससे प्यार करता था, मैं इसे भाभी समझता था और तब ये तेरे लेवल की भी थी, लेकिन जब ये मैनेजर बनी मेरे दिमाग के चक्के घूमे, फिर ये मेरे लेवल की हो गई और मुझे अपनी लगने लगी, तो मैंने पटा लिया। किसी टाइपिस्ट को पकड़ ले बेटा, ऑफिस में बहुत है, ठीक है ना? दोस्तों आस्तीन का सांप निकला, बड़ा वाला। तू टेंशन मत ले, मैं छीनी हथौड़ी से उसके जहरीले दांत तोड़ के रख दूंगा। उसके लिए थोड़ा विटामिन एम लगे। पैसा? तू तो हेल्प कर रहा था। ट्रेन से कटने से बचा है वो हेल्प थी। ये तो मेरा धंधा है, मैं नहीं दूंगा। माणिक मैरिज ब्यूरो का उसूल है, फ्री में दाल बाटी चूरमा खिला दूंगा, लेकिन धंधे में नो कॉम्प्रो।
जीएसटी काट के कितना हुआ? तेरे केस में ट्रिपल चार्ज लग जाएगा। ट्रिपल काई को? पहला काम क्रिश और सुरेखा का ब्रेकअप, दूसरा सुरेखा को तेरे गले में डालना, तीसरा सुरेखा के गले में मंगलसूत्र। मेरे पापा हाथ गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा कम करो ना। शादी नहीं करनी? हाँ करनी है। सीधे हाथ से पकड़ो। अरे बाप रे, इतना माल लेके कटने जा रहा था? खुदकुशी करके मैं नरक में ही जाता ना, इसलिए यमराज को रिश्वत देने के लिए रखा था। तू गया काम से। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, भाई मुझे मार डालेगा। ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहना, गिड़गिड़ाते हुए लोग भाई की खुराक है। भाई जब जमीन पर जूता रखता है ना तो जमीन भी कांपने लगती है। भाई की तेज नजरों के आगे हरी मिर्ची भी फीकी पड़ जाएगी। भाई मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी छोटी टांग पकड़ता हूँ। कह रहे भाई छोटू, तो मेरी टांग भी छोटी कह रहे, मेरा नौटक पी के, मेरा ही चकना खा के, मेरी काला कांडी की खबर पुलिस को देता है? भाई माफ कर दीजिए, पहली गलती तो इंसान माफ करता है, अब इंसान के रूप में शैतान हो। मैंने नहीं मारा भाई, मैंने भी नहीं मारा। अच्छा इला दादा, बड़े भाई माजे दादा। अब उनके भाई को मारने वाला इस दुनिया में नहीं रहता, बोले तो सीधा नरक में जाता है, और किसी को मरना है तो बोलो। छोटू, छोटू मेरे जिगर का टुकड़ा है, पता है ना? हाँ भाई। छोटू, अरे तू कौन सा शैंपू लगाता है जो आधे बाल उड़ गए तेरे? हमें हमारे पुरखों से जायदाद के नाम पे ये गंजा पनी तो मिला है। हमारे दादाजी फुल चांद थे, आप हाफ चांद हो और मैं क्वार्टर चांद। काय को याद दिला दिया, पर दादाजी के बारे में कुछ मत बोल, उनकी आत्मा को फोकट में बुरा लग जाएगा। 25,000 का तो खर्चा है, नए लगवा दूंगा। थैंक यू दादा। छोटू भाई, नए एसीबी नायक ने हमारे आदमी को पकड़ लिया है। ए, ये खबर लाने से पहले तुम मर क्यों नहीं गया? दादा मैं उसी एसीबी की शूटिंग करूंगा। सुन बे गधे, फोकट में ज्ञान दे रहा हूँ, जिसको मारना है मार, लेकिन गलती से भी पुलिस वालों को शूट करने की कोशिश मत करना, उनको मारने के लिए मैं हूँ ना। थैंक यू दादा। बोलना दादा, मेहरबान तो गधा पहलवान। चला छोटू भाई, आगे मत जाना, नहीं तो ये लोग आपको कुत्ते की तरह मारेंगे। चुप, दादा ने मेरे को गधा बोला, सुना नहीं? गधे की तरह मारेंगे, बोल। एक गुंडे और पुलिस वाले का रिश्ता पता है साहब कैसा होता है? एक चूहे और बिल्ली जैसा। आप एक पंजा मारेंगे तो हम यहीं पे खत्म हो जाएंगे, लेकिन बिल्ली बंदे चूहे का शिकार नहीं करती। तुम्हें छोड़ दिया ना तो एसीपी मुझे मार देगा। सिंगले का पैदा हुआ है क्या? अगर कांस्टेबल 5 मिनट लेट आता है तो उसे वो गोली मार देता है। 10 मिनट लेट आएगा तो तोप से उड़ा देगा, 15 मिनट लेट आएगा तो मिसाइल मारेगा। सुनो रे, मेरे लफड़ों की लिस्ट देखेगा तो मुझे टमाटर और अंडों से उड़ाएगा। पुलिस वाले तो डंडा लेके घूमते हैं, ये लोग डफली लेके क्यों घूम रहे हैं? अरे मैं क्या मिस इंडिया हूँ जो मेरा मुंह देख रहे हो? डफली पे डांडी पीटो, गरबा बजाओ। ये सीपी कम डफली वाला ज्यादा लगता है। आपके बारे में भी तो लोग यही बोलते हैं। तुझे आइला नमस्कार, मुंह बंद कर चुप है। डांस मस्त। इतना बड़ा जुलम, ये 3 टपुड़े को 1 रस्सी से बांधा है? अरे अगर ये चोर उचक के नहीं होते तो पुलिस डिपार्टमेंट भूखा मर जाता। इनकी वजह से ही तो हमें सैलरी मिलती है। मेरी तो माताजी से प्रार्थना है कि ये चोर हमेशा चोरी करते रहे। चल सॉरी बोल दे, रस्सी खोल। सॉरी भाई, मैं इसका भक्त हो गया।
ये तो रावण के भेष में राम निकला रे। सर, हमें तो लगा था आप हमें पिच्छू से गोली मारोगे, लेकिन आप तो सामने से फ्रेंड बन गए। बात अब फ्रेंडशिप से आगे बढ़ गई है, अभी तो हमको साथ मिलके जलसा करना है। ये बकुड़ा चेयर लेके आ। मेरे को लगा डिस्क्यो 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 ये उनका ये एनकाउंटर करने वाला है, पर ये तो उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। साहब, ये चेयर किस लिए? तुम लोग बचपन में म्यूजिकल चेयर तो बहुत खेले होंगे। बहुत खेली है। मैं बचपन में हमेशा फर्स्ट आता था, अब भी खेल के आता हूं। जल्दी क्या है, एक राउंड हो जाने दो ना। पहले राउंड की किक तुम क्या जानो? अच्छा। म्यूजिकल चेयर के रूल्स तो पता है ना? स्कूल में हम लोग पढ़े थोड़ी है, एज गेम तो खेले ले। इस कुर्सी के पास चील के माफिक मंडराते रहने का, इधर म्यूजिक स्टॉप उधर हम लोग कुर्सी पे, और जो नहीं बैठ पाया गेम से आउट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, गेम से नहीं, दुनिया से। आप तो बहुत अकड़ के गए थे, सुकड़ के वापस क्यों आ गए? सर, मारने से पहले हमारी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछोगे क्या? When you play, just play, don't talk. गरबा। वाह वाह वाह, रोज गरबा खेलो और 500 कैलोरी बर्न करो, जिम जाने की जरूरत ही नहीं। आइला एनकाउंटर से पहले इतना मजा आता है। स्टूल पे जाके क्यों बैठ गया राजा? सत्संग में मैंने सुना है कि जहाँ खाली जगह मिले बैठ जाओ। खाली तो मेरा सर भी है, तो क्या उस पे बैठेगा? पुलिस गरबा है ये। जय माता जी। चलो शुरू करें। सर सर, गेम खेलेंगे बोलकर आप हम दोनों का गेम बजा रहे ले। हम दोनों को छोड़ दीजिए सर, आपको आपकी अम्मी की कसम। एक बार गरबा शुरू हो गया तो शुरू। बचाए अम्मी। उसके अंदर रहम के कीटाणु नहीं है क्या? स्टॉप। बैठ गया उसको क्यों उठा रहा है? सर, विरार लोकल में एक सीट पर दो लोग बैठते हैं सर। राजा, शेयर करने में मजा नहीं है, जगह हो या बुलेट। सर, मैं तो जीत गया, मैं जाऊं? अभी नहीं जा सकते, एक राउंड गरबा का और खेलेंगे। सर, मैं अकेले कैसे खेलूंगा? खेल सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे। अरे साहिब के लिए स्पेशल सिंहासन लेके आ। सर, अभी गरबा चालू करना और म्यूजिक बंद होते ही उड़ के ये तीर ले लेना। सर, बैठूंगा तो तीर घुस जाएगा, नहीं बैठूंगा तो आप गोली घुसा देंगे। सर, मेरी एक बेटी और चार लड़के हैं, मैं शादीशुदा आदमी है, मैं सुधर जाएगा सर, मैं सुधरेगा सर। सर, सच्ची में शादीशुदा है? हाँ सर। मेरी कसम खा। आपकी कसम। हाथ हटा। शादीशुदा आदमी को जिम्मेदार होना चाहिए, उल्टा सीधा काम नहीं करना चाहिए। आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी शादीशुदा आदमी को नहीं मारा, इसलिए तुझे वार्निंग देके समझा रहा हूँ, समझ ले, नहीं तो एक गोली में ऊपर। चल जा, और घर जाते हुए घर वालों के लिए ढोकला लेके जाना, जा। थैंक यू सर। नेक्स्ट कौन है राजा? वो गुंडा छोटू। क्या किया है उसने? यहाँ आने से मना कर दिया। एक बात याद आई, किसी गुज्जू भाई ने कहा था, बुलेट के सामने अगर गुनेगार अपनी मर्जी से नहीं आता तो बुलेट को उसके पास जाना होगा, ऐसा मैंने ही कहा था। छोटू, आई लव यू राजा। ओके डॉक्टर, थैंक यू, ठीक चलता हूँ। अभी एजेंट बनना हलवा नहीं है। तो आप कैसे क्लाइंट बनाती हैं? अभी उनका तेल निकालना पड़ता है, ऐसा लगता है हम उनसे भीख मांग रहे हो। वो भिखारी को भीख तो दे देंगे, इंश्योरेंस के पैसे नहीं देंगे, तो हम क्या करें? उन्हें उल्लू बनाओ। नहीं बने तो? कमजोर नस पकड़ो। नस नहीं मिली तो? उन्हें डराओ। और फिर भी नहीं डरे तो कोई और काम कर लो। इंश्योरेंस करवाना कोई मल्लप्पा की खीर नहीं है, उसके लिए मेरे जैसा जिगर चाहिए। मंत्रियों का भी बीमा किया है, बीमा करने के लिए तो मैं गिर भी सकती। पापा ने इंश्योरेंस करवाया है ना? ए, कौन है बे तू? फ्री में तो सांस भी नहीं लेता हूँ। पहले चाय पिलाओ, फिर सब कुछ बताऊंगा। ए चश्मिश, तेरा इंश्योरेंस करूँ क्या? मेरे से काय को मिलने आया? किसी से तुम्हारी कुंडली मिलानी है। मेरी शादी करवाएगा? आज तक किसी की करवाई है? तुम्हारे सर पे जितने बाल है उतनी शादी करवा चुका। साफ साफ बोल। उसी के लिए फेमस हो। फेकम फाकी बन, मतलब की उल्टी कर। तुम्हारे माँ बाप चाहते हैं
कि तुम्हारी गोद भरे और वो नाना नानी बने। माँ बाप की आज तक नहीं सुनी तो तू कौन से खेत का बैंगन है? हाँ ठीक है, एक पर्सनल क्वेश्चन है, शादी की पेपुड़ी से डर क्यों? देख भाई घर जोड़े, 100 रुपए के मंगलसूत्र के बदले मैं जिंदगी भर गुलामी नहीं कर सकती। मैं चटनी रोटी में खुश हूँ, हस्बैंड की बिरयानी नहीं चाहिए। सासुमा के साथ साथ नंदो की भी सेवा करो, बदले में वो लोग मेरा बच्चा संभालेंगे बस। और अगर बच्चा नहीं हुआ तो बांझ का लेबल लगा देंगे, इसलिए नो शादी। बात सुनने में अच्छी है लेकिन बुढ़ी हो जाएगी तब क्या करेगी? मैंने अपने जीवन का बीमा कर लिया है, तेरा इंश्योरेंस है कि नहीं? नहीं तो अभी कर डालते, पेपर्स तैयार हैं, बोल। अरे वाह, धंधे में तो तू मेरे से भी 4 कदम आगे। शादी कर ले, लाइफ सेट हो जाएगी। बोल तारीख कब की निकालो? शादी मेरी कुंडली में है ही नहीं। तेरे को डोली में बिठा के रहूंगा, तेरा इंश्योरेंस मैं करवा कर रहूंगी। देखते हैं। अच्छा देख लेना। चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी, और बिल चुकता कर देना, समझी? ये टकले है भाई, ये सीपी को ये नकली शादी असली लगनी चाहिए। क्यों फोकट में इतना लोबान जला रहे हो? भाई को बोलो, वो उसको ठोक देगा। चुप कर बे, हर बात में दादा की मदद लूंगा तो लोग मुझे लल्लू समझेंगे, मेरी भी इज्जत है। ये कौन है? कोयला गली से लाया आपके नकली सास ससुर। हाँ ससुर सासु, एक्टिंग करना धासू, वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ये तुम लोगों की नकली बेटी है। अबे कंधे से हाथ हटा, अभी तूने पैसे नहीं दिए। ये तो कोल्हापुर की मिर्ची है, सच्ची की बाई को बना लो। लो आपकी मौत की शनाई आ गई। अरे इसकी तो, ये पुलिस वाला, इसको देख के हवा टाइट होती है, मेरी तेरी गैस क्यों निकल रही है? एक बार इसने मेरे को कोठे से पकड़ा था। बाल बाल बच गया, वरना मैं काम पे रहता और घर पे काम चालू रहता। भाई किसकी शोक सभा चल रही है? शादी है सर। शादी नहीं है सर, ये एंगेजमेंट है, ये एंगेजमेंट। तू एंगेजमेंट बोल रहा है पर ये तो शादी बोल रहा है। क्या है इसकी एंगेजमेंट? 7 बार टूटी ना, इसलिए एंगेजमेंट को ही शादी समझता है। बच गया बकुड़ा। तेरी बकुड़ी किधर है? अपने माँ बाप के साथ ऊपर। अपन तो इधर ही चल। गेम राजा, तेरी होने वाली बकुड़ी की दो दो मम्मी और दो दो पप्पा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऊपर वालों ने जन्म दिया और इन्होंने पाला पोसा। ओके तू बच गया, शादी में मुझे बुलाएगा? वीआईपी गेस्ट। दगा नहीं देगा? नहीं नहीं नहीं। गड़बड़ नहीं? नहीं नहीं नहीं। कोई झोल? नहीं नहीं। मैरिज कंफर्म? बकुड़ी मुबारक। मेरा नाम जानता है ना? आप बोलो। नायक। नेक्स्ट टाइम ये पक्का गोली मार देगा, मैं क्या करूँ? कुमारे भाई को बता डालो। चलेगा? इन लोगों को हकाल दे। चल दादा, वो एसीपी आपके बच्चे को वार्निंग देके गया है। काय को? बोलता है चुपचाप शादी का लड्डू खा ले वरना गोली खिला दूंगा। उसको आधा किलो काजू कतली भेज, फोकट में सही राय दिया लाए, अपना ताक दिना दिन करवा ले। वो ऐसे भी गया तेल लेने, अभी तक आप कताता था या नहीं हुआ? मैं ताक दिना दिन कैसे करवा लूं दादा? मेरे पीछे क्यों पड़ा है? बोला ना प्रॉब्लम है अपने साथ। काय है? अपुन को एक लड़की से प्यार था, शादी भी होने वाला था। हाँ? शादी के पहले हकीम ने खास दवाई दी, वो खाया, शादी से मनी उठ गया। दवा का नाम क्या था? अरे लड़की का नाम पूछ। हाँ बताओ ना। गुलाबो नाम था बेटा उसका, गुलाब की तरह एकदम लालम लाल, तू देखता तो तू भी महक उठता। नको नको, तुम इच महका। भैया सुरेखा को जाके डायरेक्ट लिपट जाऊं? सुरेखा खस्ता कचोरी के माफी। हाँ वो तो है। और तू एक बासी वड़ा पाव के माफी। हाँ भैया, बिना चटनी का। एक काम कर, तू ऐसी गुलाटी मार कि वो तेरे को देख के ताली बजाने लगे। भैया मेरे पास एक खतरू आइडिया है। तेरे को आइडिया भी आता है तो बकना। मैं चुपके से उसकी स्कूटी का पीछे वाला टायर ढीला कर देता हूँ, जैसे ही वो गाड़ी को स्टैंड से उतारेगी गोल गोल होकर चकरा के गिर जाएगी और मैं जाके उसको गले लगा लूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मर्सिडीज चलाए, लेकिन तू तो खच्चर पे बैठने के लायक भी नहीं है गधे। तो फिर हाथ गाड़ी चलाऊं? वो लड़की गुंगी बेरी। सच्ची में? सही बोल रहा हूँ। उसके पास जा, उसके पैर पकड़, उसको उल्टा करके ऐसे लस्सी की तरह घुमा, उसके बाद पी जाऊं क्या? छठवें महीने में ही बाहर आया था क्या? सॉरी भाई। सुरेखा पूछे तो बोलना इससे सिक्का निकल लिया है, उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। भाई भाई एक सवाल। हाँ भाई। बको, उसने सिक्का निकला कब भाई? बहुत बोला है, गरी का गोला है यार। तू सिक्का मुंह में रख के जा, फिर सुरेखा से बचा के उसको मुंह से निकाल लेना, बोलना बच्ची निकल गई थी। इस बात से सुरेखा इंप्रेस हो जाएगी। भाई भाई अगर उसने पुलिस को बोल दिया तो पुलिस गुंगी कैसे बोलेगी? गुरु डालो। चल मुंह खोल। गुरु इससे ना हो पाएगा। ये सौदा महंगा पड़ेगा मेरे को। तुम्हारे पास खिलौना है? मर गया, वो गुंगी छोरी चली गई। Hey!
बाबूराव वो नहीं है। क्या बेटा चॉकलेट खाएगी? अरे ये लड़की वो नहीं है। आजा आजा। ए जिनेंद्र बचा लो फिर चॉकलेट खाना है। बाबूराव इस तरह से कोई झूला झुलाता है क्या? चोट लगी तो कुछ निकलेगा देखना। अंकल रुक क्यों गए? और झुलाओ ना। अंकल, अंकल प्लीज ना। गुरु 2 रुपए का नुकसान, अगर उसे बचाया नहीं तो 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। बाबूराव क्या हो गया? बाबूराव क्या हुआ? इसे मिर्गी का हार्ट अटैक आया है, इसे गंदा जूता सुनाओ ठीक हो जाएगा। इस मुर्गे को मिर्गी नहीं लगी, 2 का सिक्का निकला इसने। तुझे कैसे पता कि इसने 2 का सिक्का निकला? ले सीबीआई आ गई। गलती से बोल दिया बहन। देखो मैडम पहले कॉइन निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं तो 2 रुपए का नुकसान हो जाएगा। कुछ भी करो इसे बचाओ। गुरु मेरे पास एक आइडिया है, रस्सी बांध के चुंबक अंदर डालते हैं कॉइन बाहर। पता चला बकरी निकालने का बैल घुस गया। काम करते इसको खड़ा करते हैं। 2 रुपए के सिक्के से इतना वजन बढ़ गया जी। इसने पैसा पेट में छुपा लिया। ये 2 रुपया दो लेना। क्या फाइटिंग की? आप डॉक्टर हैं क्या? नहीं जी इनकम टैक्स ऑफिसर है। जीडी भी अगर पैसा खा जाते ना तो पेट काट के बाहर निकलता है। सुरेखा मेरी हस्तरेखा में नहीं है क्या? अरे गुरु यहाँ क्यों लाए? दर्शन रे वास्ते। गॉड अल्लाह ईश्वर सब तो मन में होते हैं ना, तो फिर यहाँ आके टाइम वेस्ट काहे को? अबे मोटे तेरी दिमाग की नस पे लकवा मर गया। और ये लकवा कुछ खा के शांतु का कुछ खिलाओ ना। भजन करेगा तभी भोजन मिलेगा। लेकिन भजन में चिमटा बजाते हैं चमाट नहीं। ये छोरी के पैर तो एकदम मोगरे के फूल जैसे। इस लचकती कमर को लग जाए मेरी उम्र, इसको देख के बापू भी आसाराम बापू बन जाए। है? ये केला मैं अकेला खाऊंगा। ऊपर वाले आज तक तेरे से मैंने कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगता हूँ इस सुंदरी से एक बार कहो अपना मुखड़ा दिखा दे। बीमा एजेंट बाकी की तुम बना लो। हाँ ठीक है भगवान सॉरी, इसके बाप को वचन दे चुका हूँ कि इसकी शादी की पिपुड़ी मैं बजवा के ही रहूंगा। अब माणिक भाई जी कंट्रोल करो। हाय मधु कैसी हो? चालू कर दिया ना। क्या चालू? मेरा पीछा करना। क्यों भाई तुम्हारे उस पे तेल है क्या? तो मंदिर में क्यों आया? ये क्या तुम्हारा प्राइवेट मंदिर है? हाँ मैं दान पेटी में पैसा डालती हूँ। इट्स ओके। तुम्हें बच्चे पसंद है? जिस घर में बच्चे नहीं हो ना पता है वो घर बिना फूल का बगीचा लगता है। ईश्वर की देन होते हैं ये। तुम्हारे है क्या? क्या तुम नहीं चाहती कि गोलू मोलू सा बच्चा तुम्हारी कमर से लिपटा रहे? चाहती हूँ ना। तो फिर शादी की चटनी चाट क्यों नहीं लेती? बोल कब का मुहूर्त निकालो। आजकल बच्चे के लिए ना शादी करने की जरूरत नहीं है। यानी बिना शादी के शादी? हेलो अमेरिका से इंडिया में आओ। तू तो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट है। तुम मदर टेरेसा मम्मी को जानते हो क्या? बहुत अच्छे से। क्या उन्होंने किसी के साथ शादी की थी? क्या किसी बच्चे को जन्म दिया था? नहीं ना। लेकिन फिर भी देखो सब मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं उन्हें। चल जा मंदिर में धुनी रमा जा। माणिक जी ये बहुत टेढ़ी खीर है, इसमें तो जीरे का तड़का लगा के चटनी मार के चखूंगा। मेरी बेटी एक फुकटिए के चक्कर में फंस गई है, लेकिन मुझे करोड़पति दामाद चाहिए इसके लिए। कहाँ है तुम्हारा बॉस? काका समझ लो आपकी बेटी की आधी शादी हो गई। जाओ सोफा गंदा करो। फुकटिया मैं करोड़पति का दामाद नहीं बन सका लेकिन ससुर बनूंगा। लाल टी शर्ट में तू एकदम। अरे अरे छोटू भाई आप इधर कैसे आए? चल के एक मिस कॉल दे देते हम आ जाते। अरे प्यासा कुएं के पास आता है, बता मेरी प्यास। अरे भाई तुम्हारे ग्राहक है, शादी करने आए हैं। क्या शादी? भाई ऐसी क्या बात हो गई? वो क्यों घूर रहा है मेरे को? मैं किसी भी कुएं का पानी नहीं पीता। अरे उसकी बेटी का खट्टा खाने का बहुत मन कर रहा है इसलिए शादी करना चाहता है। उसकी बेटी को बिना देख के ही तैयार हूँ मैं। बोल दे मुझे दामाद मिल गया। देखा मुझे दामाद बनाने के लिए उतावला हो रही झिंगूर। दामाजी मेरी बेटी का फोटो दिखाओ। वो कब का ढेर हो चुका है? शादी के लिए खड़ा मैं हूँ। नहीं यही चाहिए। अच्छा अरे एक नंबर का कड़ क्या है? जेब से फाट के और सर से टक ले आए। नहीं मेरा दामाद तो यही बनेगा। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है टकले पैसे वाले होते हैं। मैं इसका ससुर बनूंगा। तुम अपना डॉटर दो या क्वार्टर दो ये तुम्हारे साथ नहीं आएगा। ये मेरा पालतू है इकड़ी। अरे मैं नहीं आऊंगा, ससुर के कदमों में जन्नत होती है। ससुर जी चलो मुझे ससुराल ले चलो चलो। वो मेरा है, तेरे किस्मत में ससुर नहीं है। तेरे साथ था ना तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, तू पनौती है। चला हनीमून के लिए ऊटी भेजूंगा।
पैकिया जी, हमारी बेटी वॉचमैन के साथ भाग गई। वॉचमैन के साथ? ये चक्कर कब चला? तो अब इस टकले का क्या काम है? चलो हम ऊटी चलते हैं, होटल रास्पबेरी में रुकेंगे। भाई माफ कर दो, उसने लालच का अतर सुंघाया तो मैं भटक गया था ना। क्या है, बहुत प्यार आ रहा था ना उस ससुर की नाती पे। माफ कर दो, मेरे को पनौती बोला था, मजाक कर रहा था ना। अरे जाने दो ना भाई, सुबह का बुला सुबह ही वापस आ गया ना। मार के तुम्हारा नाम भुला दूंगा। मतलब छोटू भाई यहाँ कैसे आना हुआ? घोड़ी चढ़ने का बहुत मन कर रहा है। आइए बैठ के बात कर। हुकुम करो। भाई ने बहुत बादाम खाया ना, इसलिए शादी करनी है। बड़ा जल्दी सोच लिया। अरे मेरी हाफ सेंचुरी हो गई। 42 से 62 तक कुछ भी चलेगा। 62 से 92 तक भी चलेगी, लेकिन अर्जेंट है। अगर नहीं की ना तो भाई चमगादड़ की मौत मरेंगे। बता दे, सब बता दे इसको। अगर मैं घोड़ी पे नहीं चढ़ा तो वो एसपी मेरे को सूली पे चढ़ा देगा। मेरी इज्जत का बटन वटा बना दिया आपने, सच की उल्टी कर दी। पहले बताने का ना टक लिया। आपको घोड़ी पे चढ़ा दूंगा, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है। आजकल की लड़कियों को रणवीर सिंह जैसा बांका जवान चाहिए। ओ, रणवीर को इधर रख। आप तो रणवीर कपूर है। मेरे को मालूम है। हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, तुम दोनों गप्पे शप्पे मारो, मैं बैंक का काम खत्म करके आता हूं। जी पिताजी। हाँ बोलिए। तुम्हारा इंश्योरेंस हो चुका है क्या? नहीं अभी तक तो नहीं। तो तुरंत करवा लो, बाय वन गेट फोर का ऑफर चल रहा है। दरअसल बात ये है कि मेरे मंगेतर लंदन में है, तो शादी के बाद हम करवा लेंगे। तब तो पहले ही फुर्सत में उनका करवा डालो। मैं समझाती हूँ। सोचो कि उसे अचानक ही तुम्हारी याद आ गई और उसने सवेरे की फ्लाइट पकड़ी। तुम यहाँ पर चेहरे पर मेकअप थोप के उसका इंतजार कर रही हो और अचानक उसकी फ्लाइट आसमान में हाईजैक हो गई और लुटेरों ने फ्लाइट के अंदर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। आंसू गैस से क्या होगा, लोग मर भी सकते हैं रेनू। इसीलिए इंश्योरेंस करवाओ और गरीबी को दूर भगाओ, तुम्हें तो पैसे मिलते ही रहेंगे। बकवास बंद कर, जान ले लूंगी। क्या है ये? भैया देखो ना, ये वरुण के बारे में कैसी अनाप शनाप बातें कर रही है। मैं देखता हूं। ए, तू बावड़ी हो गई है क्या? जहाँ घर खुला दिखाने के घुस गई। ये मेरी बहन है। बहन है? वाह क्या जोड़ी है। भाई लंगूर है तो बहन एक नंबर की घोड़ी है। देख लेना, सिर्फ तेरा ही नहीं तेरे पूरे खानदान का इंश्योरेंस करवा के रहूंगी। ए, दफा हो इधर से। ये क्या भैया, उस डायन को जाने क्यों दिया? अरे उसने अकल बेच खाई है, बीमे का काम ठंडा चल रहा है इसलिए भड़क रही है। छोरी बुरी नहीं है, जबान कड़क है और अकल नरम है। क्या बात है, उसके बारे में कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन है। अरे क्या बक रही है, वो फेसबुक फ्रेंड है। सही है भैया। क्या क्या सही है बोल तो। मुझे पसंद है। क्या पसंद है? और क्या पुलाव पक रहा है भाई बहन के बीच? आप यहाँ कैसे आए? ओए गड्डी से। और स्वाति का बर्थडे है ना, तो उसके लिए एक नेकलेस लेना था, इसीलिए बैंक चलाए। ओहो बहुत बढ़िया। वहाँ पति बेचारा लंदन में कमा कमा के दुबला हो रहा है और तू उसका लोबान जला रही है। मैं अपने पति का खर्च कर रही हूँ, तुम्हें क्यों जलन हो रही है? मेरे लिए तो वो लंदन में कमा रहे हैं। बहुत स्मार्ट हो गई है तू। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है पुत्र, आओ जी। लगता है बेचारी पागल है। याद रखना, जो लड़की मेकअप के बिना मरती है, ऐसा मत कर बेटा। कृष्णा जाके उसे बचाओ ना, वो लड़की कूद जाएगी। ऐसे में एक आइडिया आ रहा है, एक काम करते हैं, यहाँ से पतली गली पकड़ के निकलते हैं। क्या? और क्या बेबी, थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो। तुम उसे बचाने के लिए ऊपर भागोगी और तब तक वो कूद गई तो ऊपर चढ़ना बेकार हो जाएगा, इसीलिए उसके कूदने का वेट करो और एम्बुलेंस को फोन लगाओ। कैसी बातें कर रहे हो, वो मर जाएगी। ओ हेलो, वो अपनी मर्जी से ऊपर चढ़ी है, तुम्हारे पास टाइम है तो रुको, मेरे पास टाइम नहीं है। बाय। इस बेवफा दुनिया से मेरा दिल भर चुका है। कूद जल्दी कूद, मैं बहुत अच्छा कैच पकड़ता हूं। आजा आजा, कूद जाऊंगी कूद जाऊंगी बोलती है तो आना कूद। ये क्या बकवास है, पागल हो गए हो क्या? तुम बीच में मत बोलो सुरेखा। ए तू कूद जल्दी, मैं तुझे एक मिनट देता हूँ, अगर एक मिनट के अंदर तू कूद गई तो मैं समझूंगा। ये पागल क्या बोल रहा है तू, अगर वो ऊपर से कूद गई तो। चुप, चल कैच पकड़ रहा हूँ जल्दी आ। देखो मुझे बचाना मत। बहन मेरे पास टाइम बहुत कम है, कूदते हुए तेरे साथ एक सेल्फी लेना है मुझे, चल जल्दी कूद। यहाँ कूदेगी? अरे यहाँ नहीं, यहाँ। देख घास पे ही कूदना, घास नरम होती है, कांटे के झाड़ पे मत कूदना, लग जाएगा। यहाँ कूदूंगी। देख अगर मैं ऑफिस जाने में लेट हुआ तो मेरी सैलरी कट हो जाएगी, जल्दी बता। इधर कूदेगी? इधर इधर कूदेगी, यहाँ पर? अरे अगर मैं वहाँ कूदूंगी तो सीधे यमराज के गोद में गिरूंगी, मैं यहाँ कूदूंगी। क्या यार, सरकार भी 5 साल में बदलती है लेकिन तेरे को बदलने में 5 सेकंड लगते हैं। नीचे आके निशान लगा और फिर निशान पे कूद। तू जा जाके कोयला लेके आ, मैं आके निशान लगाती हूँ। मैं तेरी बहन हूँ और तू मेरा भाई है, मैं आ रही हूँ। आजा, मेरी सैलरी तो कटी गई अबा।
मैं लिफ्ट से नीचे जाऊंगी, नहीं तो मैं थक जाऊंगी। यहाँ कूदेगी? अरे पागल, मैं इधर कूदूंगी। अच्छा इधर। छोड़ो छोड़ो। अरे अरे क्या कर रही है, मारिए मत मारिए मत। तो और क्या करूं? छोड़िए ना, अगर आप माँ होकर इसे मारेंगी तो इस बेचारी का ख्याल कौन रखेगा। छोड़ दीजिए। तूने आज कमाल कर दिया, अगर तू मेरी शादी में नहीं आएगा तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, चल चल के मुझे भजिया पाव खिला। आ जा जल्दी। हाँ बोल बाबूराव। भैया लड़कियों का दिल सच में नरम होता है, उस पागल को मरने से बचा लिया तो सुरेखा मुझ पे मरने लग गई है। गुड गुड, ऐसे ही धीरे धीरे चढ़ता रहे, तेरा टाइम आएगा। मेरा टाइम आ गया। ए भाई जरा गाड़ी रोकना, नेचुरल कॉल आया है, वरना छोटू भाई की जीप गंदी हो जाएगी। ओके रख, रोकता हूँ। थैंक्स भाई। कौन है बे? छोटू भाई। बोल मानी। रेड्डी फैमिली वेट कर रही है, कठे हो? पूरी बारात लेके जा रहा हूँ। एक बात बता तू, लड़की कैसी है? खानदान रुतबे से मेरे लेवल की है ना? इस रिश्ते से आपके तार जुड़ते यहाँ पे वार हो जाएगा। ओके, लड़की ऐसी हो जो फौलाद को पिघला दे। फौलाद को? उसकी उल्टी में लोखंड की गोलियां निकलती है। हाँ? और जब वो धाड़ती है ना तो आसमान में सुनामी आती है। मैं बारूद से मंजन करके उधर जाऊंगा। हाँ एकदम ठीक। फोन काट अभी चल। टकले तुम लोग मेरे को देख के थर 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 कांपते हो, मेरी बीवी को देखोगे तो फर 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 कांपोगे। अरे सुन, समय राजा आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रहे। सब तैयारियां हो गई के? सब हो गई अन्ना। अन्ना दूल्हा आ गया। अन्ना जे बात, मेरी बीवी के बालों में लगाने के लिए फूल तोड़ लूं? तोड़ लो। सोचा था मेरे जितना लंबा होगा, पर मेरे घुटने तक ही है ये टिंगू। इतना इतना रोज बढ़ेगा अगर हम खींचेंगे तो। तू भी सीख गया मारे से। थारा बहुत बहुत स्वागत है दामाद जी। बोमला, ये किस लिए है? तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। अरे तो अपने खून से नहीं कर सकते क्या? ये खानदानी परंपरा है, अपनी आन बान शान के लिए खून की नदियां भी बहानी पड़े तो बाहर डालो। अरे बाप का खून है। अरे हाँ बोलता है फ्री। टैक्सी लेके आ। ये क्या है? गरम गुलाब जल है मेरे को नहलाने के लिए। यो गुलाब जल नहीं है दामाद जी, थारा पैर धोने के लिए खोलता खून है। वो कौन है? वो लाल कलर से रंगा हुआ होली खेलने गया था क्या? वो हमें ताजा खून चाहिए था तो इसे मार डाला, वरना ब्लड बैंक कितना खून देती। कितना उबाला खून को, इससे तो स्टीम इंजन चल जाता। यो चाय कॉफी थोड़ी है जो उबालेंगे, उसके ठंडे खून को गाड़ी देख के दौड़ा दौड़ा के खोला दिया, फिर चक्कू घुसेड़ दिया। रामपुरी से मारा ना आपकी महान परंपरा को, छोटू का बड़ा परिणाम। आपका नगीना कहा है? यहाँ के मर्द खूंखार भेड़िया है, पर कन्या तो बिल्कुल खरगोश है। आजा बेटा, डर मत, बैठ। कलेजी की टुकड़ी। हाँ भाई, मेरे को लगा कि चिढ़ाऊंगा, मिठाई फेंक के मारूंगा तो ये मेरे को मना करेगी, पर शर्मा रही है। मेरे को कसाई बीवी नहीं चाहिए। दीदी वो आत्माराम गोटे मिल गया। Hey! चमाइला, मेरे मार, घुसेर दे। भाई सुहाग रात के लिए लोहे का कवच सिलवा लो, मैं ना एक दर्जी को जानता हूँ, जिसका हो। मुझ जैसी फुलझड़ी को तू ना बोलता है? इसका थोड़ा फूल निकाल के डिब्बी में भर दे, बाद में डिब्बी लगाने के काम आएगा। मार दे उसको, चौकी अपनी है। थक गई होगी बेटा, जूस पी ले। वैसे उसको काय को मारा? कुछ खास नहीं, वो मेरी बेटी को देखने आया था, फिर उसने शादी से इनकार कर दिया। यो ठेरी एक नंबर डायन, नाखून से नोच नोच के चिथड़े उड़ा दिए उसके। भाई ये टाइम बॉम है, सोच समझ कर इनकार करना वरना आप पर ही फटेगी। बहुत अच्छी लड़की है आपकी, मेरे को पसंद है। रे तेरी पसंद से कुछ ना होगा, इसको पसंद आए तब बने बात। नहीं आया तो थारा कीमा बाल सीधा ऊपर। पता है इसको अब तक 55 लड़के देखने आ चुके हैं, इसने सबको चंदन की माला पहना दी। क्यों बेटी, नगीना ठीक नहीं है के? पांच मिनट में सोच के बताऊं।
क्यों हुआ दामाद जी, किसी बात की चिंता है के? चिंता बिंता कुछ नहीं है। आपकी गुणवंती बेटी को देखा, उसके अहिंसक स्वभाव को समझा, खुशी से ब्लैडर भरा आया। कोई बाथरूम जाने का रास्ता बताएगा क्या? अरे सुन, इनको मूत्र दान केंद्र लेकर जाओ ना को, मैं अकेले ही जाओ, शर्म आओ। यही करेगा के? जितने भी लड़के देखने आए सबकी सुसु मेरी बेटी ने निकाल दी। बाबा इसके हाइट बहुत कम है, मुझे नहीं पसंद। क्या ये भी रिजेक्ट? ए, बेटी ने पसंद ना आए इसके भी टुकड़े कर दो, सब पर नंबर है यो। अन्ना, उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। यो आदमी इतने छोटे से होल में से पार कैसे हो गया? छोटू भाई, अब इतने छोटे छेद से निकले कैसे? अरे छेद छोटा था लेकिन प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी ना। बाप रे, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ ये बात मेरे दादा को मत बताना, नहीं तो वो रेड्डी की गर्दन काट देंगे। अरे वो क्या काटेगा, वो रेड्डी मेरे दादा को काट के उसके खून से नए दामाद के पैर धोएगा। क्या है ना, वो मानिक मेरे को बहुत बड़ा डॉन समझता है, इसलिए ऐसे कसाईयों के रिश्ते ढूंढ रहा है। मुझे कोई झोपड़ी वाली लड़की भी चलेगी, कोई डिमांड नहीं करूंगा, उल्टा वो चाहे तो अपनी तरफ से दहेज दे दूंगा। ठीक है छोटू भाई। ए दुखता है ना। ये तो आश्रम लगता है, मुझे यहाँ क्यों लाया? यस करो। इतने लोगों का इंश्योरेंस करना पड़ा तो मैं थक जाऊंगी। पहले बताते तो मैं अपनी गैंग लेकर आती ना, सब बेचारों को प्रमोशन मिल जाता और बदले में जरा सोचो मुझे कितना कमीशन मिलता। लगता है राजश्री प्रोडक्शन की पिक्चर नहीं देखती हो, ये एक जॉइंट फैमिली है। आजकल लोगों को आजाद रहने का कीड़ा काटा है, पति पत्नी भी अलग सोते हैं लेकिन ये सब मिलजुल के रहते हैं। क्या बात है, आओ मनिकाओ। खम्मा गणी गणी खम्मा, बैठो बैठो। ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो खम्मागणी, बैठो बैठो। अपनी पोती के लिए छोरा ढूंढने को कहा था ना, ये खाते पीते घर का एकदम बाका छोरा लाया हूँ। देखो, देखो मेरे अकेले देखने से कुछ नहीं होगा, जाओ दादा दादी को बुलाओ। चलो चलो। खम्मागणी दादा सा, सब ठीक तो है ना? हाँ, आशीर्वाद है आपके। तुमने शादी में नहीं बुलाया बेटा। दादी साहब, वो शादी नहीं हुई अभी, ये मेरी जिगरी दोस्त मधु है। ये देखिए आपकी पोती के लिए छोरा, एकदम आमिर खान जैसा है कि नहीं? इसके परिवार के लक्षण कैसे? परिवार 100 टच का सोना है और लड़का कॉलेज में कैंटीन चलाता है। वो सब आगे... ठीक है मानी, पहले ये बताओ क्या लड़का भी हमारी तरह जॉइंट फैमिली का है? ये जॉइंट फैमिली क्यों? अरे हम लोग फेविकोल जो पीते हैं। जानू तू भी देख ले। मैं क्या देखूं जी, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। मेरे पसंद करने से क्या होता है, सबको पसंद आना चाहिए। तेरे मन में मावा कचौरी क्यों फूट रही है? देखो आप देखो, अब मेरे को बता तेरे को शादी से आखिर प्रॉब्लम क्या है? ओहो, मैडम को आजादी के बिच्छू ने डंक मारा है। जब जिंदगी डंक मारती है तो फैमिली काम आती है। आप जब छोटे होते हो ना तो माँ बाप चलना सिखाते हैं, कोई भी बुरा वक्त या तकलीफ आवे ना उस टाइम है ना फैमिली वाले ही संभालते हैं, और हमें फैमिली सरदर्द लगती है। जीवन में एक पड़ाव आता है जब इंसान को सहारे की जरूरत होती है, यह अभिशाप नहीं वरदान है, जीवन की असली खुशी। शादी करके जब माँ बनोगी ना तभी फैमिली की वैल्यू समझ में आएगी। तो कोई मूड बन रहा है शादी का? सच्ची में? हाँ तेरी कसम। मम्मी पापा की चॉइस से करोगी ना? वो देखेंगे। हो गई कमाई। देखो सर, तार के दुखी मत होना, तुम मेरे बालों का इंश्योरेंस कर देना। ठीक है। अरे बाप रे, मुश्किल से अड़ियल घोड़ी लाइन पे आई। ए बंटिए, 10 एकदम बढ़िया सैंपल ले। आप तो गजब हो भाई। जो नहीं पता है वो बता। तो सुनो ना भाई, जमीन तो 24 घंटे में एक ही बार घूमती है बराबर मोटू, लेकिन रिक्शे के टायर पे लिखा हुआ आपका नाम 1000 बार घूमता है। आपका चुमलू चुमलू। अबे थूक थूक के मेरा हाथ गीला क्यों कर रहा है? बोले ना बॉस, पहले छोटू भाई का कुछ करो, उनका टाइम आ गया है। बवा सिंह को बेटी कौन देगा? कुछ कमी है क्या? कुछ नहीं, वो छोटा है ना खोटा सिक्का, जहाँ भेजो वापिस आ जाता है। भूल जा, उसकी पिपोड़ी तो एसीपी नायक ही बजाएगा। एक हफ्ता वेट कर ले, मौत से शादी करा देगा। ये बात है, छोटू भाई की शादी के बजाय उनकी बर्बादी का प्लान कर रहा है।
अब भी बताता हूँ। भाई दादा वो मानिक मेरे को काट के फेंक दूंगा, निकाल लंबी। ए हट रे। शाबाश बेटा बाबूराव, बड़ी जल्दी शादी कर ली। धोखा दे रहा है तुम्हें सुरेखा, बहुत बड़ा धोखा दे रहा है ये। उस पागल लड़की को बचाना, ट्रक एक्सीडेंट में मम्मी पापा को बचाना, ये सब इसका और मानिक का किया धरा ड्रामा है। इसके कैरेक्टर पे छींटे मत उड़ाओ, तुम हमसे जलते हो इसलिए कहानियां बना रहे हो। अरे सुरेखा बी प्रैक्टिकल, इससे पूछो सच सच बताएगा। इसने मानिक को इसके लिए पैसे दिए, पूछो इससे। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत है, इसकी बात का जवाब देकर इसे यहाँ से चलता करो। कुछ बोलते क्यों नहीं बाबूराव? मेरी बोलती पे सदमा हो गया है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये सच है कि झूठ। मैंने मानिक को बोला था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, लेकिन सुरेखा तुम मुझे गलत मत समझो। बस करो, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुमने मेरे साथ मजाक किया है, खिलवाड़ किया है मेरी जिंदगी के साथ। शादी सिर्फ मंगलसूत्र डालने का नाम नहीं है, बल्कि एक अटूट भरोसे का नाम है। दिल कर रहा है इसी अग्नि में तुम्हें झोंक कर फांसी चढ़ जाऊं। सुरेखा तुम समझ नहीं, मुझे शादी नहीं तुमसे डिवोर्स चाहिए। सुरेखा ये सब मानिक की वजह से हुआ है, कहाँ है वो? शादी फिक्स कराने गए। भाई साहब संभालो खुद को, लगता है दूल्हा भाग गया। भागता क्यों नहीं, लड़की को जब देखो किसी ना किसी को पकड़कर उसका इंश्योरेंस कराती रहती है। सही बोल रहा है तू, उसका प्रीमियम जल्दी मैच्योर हो गया। तू भी सही बोला। फिकर मत कर, उस लड़के को भूल जा, उसके जैसे 10 मिल जाएंगे। अपना दिल छोटा मत कर, तू टेंशन मत ले बेटा। अरे वो मानिक का बच्चा कहाँ है? अपने मैरिज ब्यूरो में। ए धीरे, ये काम आ रहा है, ये काम आ रहा है। बता कहाँ है मानिक? बोलना। बोलता क्यों नहीं, गूंगा क्या? मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि कितना बोलता है? दादा इस फुटबॉल को लात मारो, सच की हवा निकलेगी। मेरा हवा पानी सब निकल गया है भाई, मुझे कुछ नहीं पता। अबे सच में वो एसीपी का बिल्ला ना अपने छोटों का एनकाउंटर करके डीसीपी बनने वाला है। उस मानिक को बोल देना अगर 7 दिन के अंदर अपने छोटू के लिए कोई छोटी नहीं ढूंढा तो उसे कुएं में फेंक दूंगा। चला बेटा तो बहुत दुख रहा है भाई। डॉक्टर कैसा है वो? डोंट वरी मानिक, अब वो ठीक है। डॉक्टर कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है? हाइपरटेंशन की वजह से उसे फिट आते हैं, घबराओ नहीं, मैं हूं ना। कब? ठीक है। डॉक्टर इनकी हालत कैसी? अब ये खतरे से बाहर है, घबराने की कोई बात नहीं। मैंने बोला ना मानिक अब ये ठीक है, डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर हमेशा तुम्हारे साथ हूं, फिकर मत करना। मेरी बहन की खुशी के लिए मैं सब कुछ न्योछावर कर दूंगा। मेरी बहन की खुशी मेरे लिए मायने रखती है। भगवान भी तुम्हें हमसे छीन नहीं सकते। अरे वाह क्या मस्त ऑफिस है, यहाँ रहने में तो बहुत मजा आएगा। मधु हाँ? रूम तो अच्छा है लेकिन पानी नहीं तो है। मेरे यहाँ नहा लेना। मेरे रूम में तो बाथरूम ही नहीं है। मेरे रूम में बेड भी है। ये भीड़ लेके क्यों आई हो? तो और कहाँ जाऊँ बे? जिस तरह बच्चे कड़वी दवाई नहीं पीना चाहते, मुझे भी शादी नहीं करनी थी पर तूने ही जबरदस्ती की। शादी के 10 मिनट के बाद ही दूल्हा तो भाग गया, तो क्या करूँ, नाचूं? हाँ? 1 साल की गारंटी दी थी ना, तो क्या? जब तक इस हंसनी को उसका जोड़ा नहीं मिल जाता तब तक यहीं रहन बसेरा, यहीं से मेरी डोली उठेगी। अब कुछ खाना ऑर्डर कर। ए चलो चलो खाना। लगेज रूम में कौन पहुंचाएगा? बॉस ये तेरी है। कोई बात नहीं, मैं गैलरी बंद करती हूँ, उसकी वजह से पड़ी फुल गर्मी है। निकल यहाँ से। जोड़ी सही है भाई। अब इसको कहाँ दर्द हुआ? हाँ बोल भैया, मैं डूबने जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे वहाँ फिर कोई बचा लेगा, इसे जा शेर के पिंजरे में घुस जा, मेरा सर दर्द खत्म हो जाएगा। यहाँ मिला ऊपर मत मिलना, और मरने के बाद मिस्ड कॉल मत देना। मेरा फोन नहीं आएगा लेकिन पुलिस का फोन आएगा। क्यों आएगा? वो इसलिए क्योंकि मैंने फोन में रिकॉर्ड कर लिया है कि मेरे मरने की वजह सिर्फ तुम हो।
और एक लेटर भी लिखा है जो मेरे पॉकेट में है। जब फोन रिकॉर्ड कर लिया तो लेटर क्यों? मान लो अगर पानी में फोन खराब हो गया तो मेरा मरना तो फोकट चला जाएगा ना, इसलिए लेटर लिखा है रे। लेटर गीला नहीं होगा क्या? अरे बाबा, लेटर मैंने लैमिनेशन करके रखा है, क्यों सवाल पूछ के मेरा टाइम खराब कर रहे हो? टाइम तो मेरा खराब चल रहा है। लाइन पे ही रहना, मैं मरने जा रहा हूं। मैं मौत के सौदागर सुधरेगा नहीं। ठीक है, बैठ के बात करते हैं। अगर बात करनी है तो पानी में आ जाना, मैं जा रहा हूं। मर मत, 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। ठीक है, 5 मिनट में आ जाना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। ये तो मेरे को भी ले डूबेगा। ए बाबूराव, 3.5 मिनट, 4 मिनट, 4.5 मिनट, जूते पानी में खराब हो जाएंगे, रुक जा। 5.25 मिनट और ये 5 मिनट पूरे। क्या आदमी है रे, मैंने तुझे बचाया कि तूने मुझे। जय चिरेंद्र, बच गए रे। अरे इसकी तो याद आ गया, तुम दोनों वही हो ना जो पीने के बाद बार डांसर के साथ पुचकी डांस कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए तुम लोग गप्पे मारो, मैं जरा एक पेग लगा के आता हूँ, चलेगा ना भंटाए? तेरे को बचाने के चक्कर में मेरी लग जाएगी। मेरी जिंदगी की वाट तो आप ही नहीं लगाई ना भैया। दिमाग का फालूदा मत बना। फिर गारंटी काय को दी थी? बस कर। जिसको देखो गारंटी के पीछे पड़ा हुआ है। कोयला छाप मंजन से कभी दांत सफेद होते, मेरी गारंटी भी वैसी है। भैया अब जो हो गया जाने दो ना, माफ कर दो ना, सॉल्यूशन बताओ ना प्लीज। उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। एक्स्ट्रा चार्ज? ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल का बिल तुम भरना। वो भी तेरे खाते में। पैसा नहीं है भाई, अगर वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। अरे मरने के बाद पैसे का क्या करेगा? तुम टेंशन मत लो, मैं कर्जत का फार्म हाउस बेच के पैसे दूंगा। एक्सक्यूज मी, बाबूराव नाम का कोई पेशेंट? 6 महीने के प्यार में 6 लाख की चपेट लगी। तेरी दुल्हनी आ गई। कौन सी वाली भैया? अबे 10 शादी की है तूने। ओ देख, थैंक यू मैडम। कैसी हो सुरेखा? तू बीमार है। कैसी हो सुरेखा? खुदकुशी करके तुम मुझे समाज में बदनाम करना चाहते हो? देखो सुरेखा, बदनाम होने के बाद ही नाम होता तुम है। तुम तो जो भी रहो, सारे फसाद की जड़ तुम हो। तुम्हारी वजह से मैं सुहागन होते होते अभागन हो गई। तुम सुहागन हो, मैं सुहाग हूँ। बड़े बड़े सुरमाओं के चेहरे पे भी कालिक पोती गई है, तो तू भी पुतवा ले। पीले लाला। तू ही पीले भाई, तेरे को ज्यादा जरूरत है। What is this? पहली धार का है। अरे इसकी तो पैक लगा के मैं आया हूँ, लेकिन चढ़ी तुम दोनों को है। जिसे जूस पिलाना था वो खुद ही बेड पे पड़ा मैं है। मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर। समझाता हूँ लाल छड़ी, पहले लाल टी शर्ट वाला बीमार था, तुम्हें देख के ब्लू टी शर्ट वाला हो गया, या हो सकता है गटर छाप मारने की वजह से मेरा पंखा फास हो गया। वो हम दोनों भी पानी में कूदे थे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सब समझ रही हूँ, ये जो कुछ कर रहा है इसके पीछे तुम्हारे सीक्रेट घटिया प्लान्स हैं। मेरा कौन खोल के सुन लो, चाहे जितना जोर लगाओ, लेकिन मुझे और बाबू राव को मियां बीवी बनता कभी नहीं देख पाओगे। सुरेखा, जो सुनाना है कोर्ट में सुनाना। सुरेखा, ए लक्ष्मी, टाटा का इंश्योरेंस क्लियर है ना? हाँ क्लियर। ये हमारी बहू का ऑफिस है। क्या काम है आपको? मेरी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहिए। भूल जाइए, डोली उठने की बजाय घर से अर्थी उठेगी अर्थी। ए तू पागल साली का है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ अंकल। रुको मैं अपनी शादी की कहानी सुनाती हूँ। जिससे मेरी शादी फिक्स की वो 5 बच्चों का बाप था, और छठा भी बस आने ही वाला था। एक की और करवाई थी, उसकी दुल्हन मंडप से ही भाग गई। एक और क्लाइंट है, वो बेचारा तो पागल खाने में है। आज तक माणिक भाई ने जिसका भी रिश्ता जोड़ा है ना, सब बेचारे ऊपर पहुंच गए। इसीलिए तो कहती हूँ लग्न पछी करो, इंश्योरेंस पहला कराओ। आप भी अपने बेटे का इंश्योरेंस करवा लीजिए आंटी, पेपर्स तो तैयार ही रहते हैं यहाँ। ए पेपर ला तो, ये ले, लीजिए साइन कर दे। कहीं कर रही? देखिए भाई साहब, इसके दिमाग की छठी नस फेल हो गई है, इसका विश्वास मत करना। तेरा विश्वास करूंगा तो मैं कोमा में जाऊंगा। हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए इसने हमको बचा लिया। इसने बचाया आपको? ये आपको सच्चाई की देवी नजर आती है, इसके झूठ की बदबू से फूल मुरझा जाते हैं। देखिए जी, मजदूर से लेके पायलट का रिश्ता 1 घंटे में खड़ा कर दूंगा। देख बाबू, यहाँ का MLA मेरा दोस्त है, 4 मुश्त अंडे भेजकर तेरे ठोकाई करवा दूंगा, सुधर जा। अरे चलो। अरे रुको सर, ऐसा मत करना। कर दिया बेड़ा कर, लगा दी धंधे की वाट। इसीलिए तो कहती हूँ पहले मेरी शादी करवा के मुझे यहाँ से दफा कर, वरना तेरी पिपुड़ी में रोज रोज बजाऊंगी। मैं जिस डाल पे बैठ जाऊँ वो सूख जाती है, जिस कुएं का पानी पी लूँ ना उस कुएं के मेंढक का खाना और सोना सब कुछ हराम हो जाता है। आई बात समझ में? डायन भी ट्विटर पे मुझे फॉलो करती है। कब बजवाएगा पिपुड़ी? मैं समझ गया तेरी पिपुड़ी किसके साथ बजवानी है। तू रुक जा, ऐसी सास ढूंढूंगा जो दिन भर तेरी छाती पे मूंग दलेगी, और नाइट ड्यूटी वाला पति ढूंढूंगा जो तेरी मुराद कभी पूरी नहीं करेगा। ओ माणिक भाई, अबे रुक बे। कब तक अकेली घूमेगी? अब शादी कर ले यार। मॉल चल, वहाँ एक से एक गबरू लड़के घूमते रहते हैं, अपने लिए ढूंढ ले। मैं यहाँ कोई दूसरा बकरा ढूंढने के लिए नहीं आई हूँ,
मुझे तो माणक भाई को ही हलाल करना है। तो फिर जाके सीधा जबकचू कर डालो ना। ये इतनी जल्दी बाटली में उतरने वाला नहीं है। तुम्हें पता भी है मैंने क्या गोची की थी। अरे मधु आओ आओ। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मेरे पैर क्यों छू रही हो? तुम मेरे होने वाले पति हो इसलिए पैर टच नहीं किया। तुम अच्छी इंसान हो इसलिए किया। क्या सच्ची? तुम मर्द बिल्कुल नहीं हो। तुम तो मर्दों के गॉड फादर हो। जो कुर्बानी तुमने दी है ना वो तो बलि का बकरा भी नहीं देगा। ऐसा क्या कर दिया मैंने? क्या नहीं किया तुमने? मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो किसी और का है लेकिन नाम तुम्हारा। क्या बच्चा? चार चार बॉयफ्रेंड के साथ पूरी रात बाहर रहूंगी तो और क्या होगा? क्या पूरी रात? चांदनी रात में हम बारिश में भीग गए थे और मैं। ए रुक जा, मतलब बाटली पे ओपनर लग चुका है, मैं जा रहा हूँ। अरे तूने ऐसा क्यों किया? ये तो होना ही था ना। पहली बार उसे देखकर उल्टी जैसा फील हुआ। उसके साथ जिंदगी बिताना तो दूर की बात थी, एक पल भी नहीं बिता सकती थी। पर फिर मैंने उसे बनियान में देखा और मेरा इरादा ही बदल गया। अगर लड़का तंबाकू खाता हो, खैनी दबाता हो तो उससे प्यार नहीं होता, लेकिन ये तो मीठा पान खाता है और उसकी इसी अदा पे मैं फिदा हो गई। मतलब तुम प्यार की पहाड़ी चढ़ोगी? पहाड़ी क्या चीज है बे, मैं तो उसके साथ हिमालय की चोटी चढ़ने को भी तैयार हूँ। कायरे, मेरी लाइफ को किसकी बददुआ लगी? एक से एक डिफेक्टिव पीस की शादी हो रही है, बस मैं ही अटक गया। क्या कमी है मेरे में? अगर आपकी हाइट थोड़ी लंबी होती तो आप अक्षय कुमार लगते। थोड़े गोरे होते तो तुषार कपूर लगते। सर पे ढंग के बाल होते तो ऋतिक भी फेल था। और मूंछ होती तो रणवीर सिंह। हाँ। अरे इतनी सारी कमी है मेरे अंदर? भाई हा? मेरी शादी हो रही है, फैमिली के साथ आना। ये मेरा स्वयंवर नहीं रच रहा है और तुम मेरे चक्कर में चाट मसाला रगड़ने आ गया। तेरे स्वागत छोड़ भाई, चल भाई। वहां देखो पुलिस के भेष में यमराज आ रहा है। बोला छोटू शादी का लड्डू खाया? आधा खाया, आधा खाया। आधा मेरे लिए छोड़ दिया? यानी एंगेजमेंट हो गई तो आधी शादी हो गई ना। तो फुल शादी कभी होगी? फुल शादी होगी ना फुल मून के दिन। ये लीजिए ना सर इनविटेशन कार्ड। ये क्या है राजा? तुम्हारा नाम तो छोटू है ना, इधर तो किसी सोमा राजू का नाम लिखा है। छोटू उर्फ सोमा राजू। छोटू उर्फ सोमा राजू, मुबारक हो। थैंक यू। शादी इसी 26 को है ना? मैं जरूर आऊंगा दोनों को आशीर्वाद देने। ओम दूधो नाव पुतो फलो, एक साल में चार बच्चे पैदा करो। लेकिन अगर शादी नहीं हुई तो एक ऊपर एक बीच में और एक छोटू को तीन गोली मारूंगा। चलेगा? दगा नहीं देगा ना? झूठ तो नहीं बोल रहा है? मेरा नाम याद है? हाय सर, नायक। कौन सा नायक? हेलो नायक, नहीं सर एनकाउंटर नायक। हनीमून में स्टैच्यू देख के आना। देखा जी भाई कैसा उसको चूना लगाया? वो सब तो ठीक है लेकिन 26 तारीख को मैरिज हॉल नहीं शमशान बुक करना पड़ेगा। शुभ शुभ बोल, वो 26 को पक्का आएगा तो मानिक से बोलना पड़ेगा मेरे को स्पेशल 26 ढूंढ के दिए। मेरी अर्धांगनी कहाँ है बे? लाली पाउडर पोत रही है रे, थोड़ा इंतजार कर ले बावरे। नहीं होता सब्र मुझसे। मेरा एक एक मिनट बिल गेट्स जितना कीमती है। लड़की दिखाओ। तुम सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हो क्या? सॉफ्टवेयर कंपनी तो हार्डवेयर कंपनी भंगार। ये क्या बोल रहा है भाई? डब्बा बाटली प्लास्टिक भंगार वाले। बियर की खाली बोतल का 50 पैसा और भरी का 1 रुपया। रद्दी वाले। भंगार के ख्यालों से बाहर निकल और हुरपरी के ख्यालों में घुस। मैंने भंगार में पीएचडी की ना तो मेरी रग रग में भंगार है। सूट से तो आईएएस ऑफिसर लग रहा है। जल्दी से लड़की को लेकर आ, बच्चन के घर से रद्दी उठानी है। माणिक भाई ये छोरी तो सर से पांव तक हुस्न का गुलाब जामुन है। कंट्रोल माणिक, शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर इसने कोई फालतू का सवाल पूछा ना मुझसे तो लात मार के भगा दूंगी। अरे टेंशन मत ले, दो कान है ना तेरे पास, एक से सुन और दूसरे से निकाल। क्या चुहा मीटिंग है? आपको देख के इसके मन में सुरसुरी छूट रही है। इसकी पार्क की नजर धंधे में काम आएगी। बैठो ना, दादी भंगार की नहीं है मजबूत है। नाम क्या है? हंसती है, दांत घसती है, चमक भी रहे है मेरे थोपड़े की तरह। मधु मक्खियों की रानी। इसका नाम क्या है बताइए ना जी? मधु, मधु है मतलब शहद। क्या आपको गाना गाना आता है हनी?
ये बताएंगे ना जी। हाँ, कोयल की तरह कूकती है, मोरनी की तरह नाचती है, हिरनी की तरह चलती है, बंदरिया की तरह इधर उधर कूदकती है, बिच्छू की तरह डंक मारती है। एक फिल्मी गाना प्रस्तुत करो। ये गाएंगे ना जी। सूर्य को सूर लग रहा है, शादी के बाद इसे भी साथ लेके जाना पड़ेगा, एक के साथ एक फ्री। ओ भाई, तू गाना गा दे, मैं सोचूंगा कि इसने गा दिया। चलिए ठीक है, बैठो। सारे ओए, तू भी घोड़ी चढ़ेगा, तेरी बारात निकलेगी, तेरी गोद भरेगी कबाड़ी, माँ दादी बाप दादा बनेगा, झाड़ू पोछा करेगा, बीवी राज करेगी, बच्चे को नहलाएगा, डायपर उसका बदलेगा, साले का तू चमचा बनेगा, जमूरा तू बीवी का बनेगा, जोरू का गुलाम तू बनेगा, जोरू का गुलाम तू बनेगा। सुर है, मेरा कर दिया। आपको पकाना आता है? लज्जा आ रही है। ये है ना, घबरा मत, जवाब रेडी है। बहुत अच्छा पकाती है। कभी इसके हाथ की स्वर्गीय खिचड़ी खाके देखो भाई साहब, डायरेक्ट स्वर्ग की टिकट कटेगी। ठीक है, वैसे इसकी हाइट वेट? हाँ, मैंने अपनी नजरों से नापा है, हाइट 5'6", वजन फूल के जितना, और इसका फिगर है 36x24। निर्लज्ज, इसके पहले 022 लगाना। अबे ये क्या है? मोबाइल नंबर नहीं, लैंडलाइन है। ऐसी कौन सी गुप्त जगह है जिसका कोड नंबर 36 से शुरू होता है? जो सवाल पूछो बोलती है इनसे पूछो, इनसे पूछो। और ये भाई भी इतने कॉन्फिडेंस से जवाब देता है मानो इसको इसका पूरा इन एंड आउट मालूम है। इससे एक बात तो क्लियर होती है, तुम दोनों के बीच में। अरे भाई जी, ये अनटच पीस है। अरे टेंशन नहीं है, कांटे पे चढ़ाऊं क्या? तेरी तो खराब, चल खड़ा। मधु धंधा खराब, तू चुप रह। हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, ऐसा ही से लगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सही बोला। किधर है चप्पल? अरे नहीं, मैं चप्पल नहीं खरीदता, मोची नहीं हूँ, भंगार वाला हूँ। मेरा भी उसूल है, मैं जबरदस्ती किसी का माल नहीं लेता हूँ। मैं तो भंगारवाड़ी में लड़की ढूंढ लूंगा। उधर भी सेटिंग है। चलता हूँ भाई। डब्बा, बाटली, प्लास्टिक, भंगार। अरे दूसरी दिखाऊं क्या? रे मुश्किल से एक छोरा मिला था, उसको भी भगा दिया। मुझे तेरी मूंछों पे लटकना है। भूल जा मन्ने। मैं अपने गले में तेरे नाम की घंटी बांधूंगी। जब तक मेरी बहन की शादी नहीं होती, हमारी पीपुड़ी नहीं बजेगी। जब तक हमारी शादी नहीं होती, तेरी छाती पर मूंग दलूंगी, सीना छलनी हो जाएगा। कसम में मरे बाप री, अर्थी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन घोड़ी पे नहीं चढ़ूंगा। इसको उंगली पकड़ाई तो सर पे बैठ रही है। शादी को हुए बस पूरा एक ही दिन हुआ है, अगर अभी तलाक के लिए अप्लाई किया तो जज मेरा लाइसेंस कैंसिल कर देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे डिवोर्स चाहिए। आप तो एक पढ़े लिखे वकील है ना, मुझे बस उसे डिवोर्स दिलवा दो। तुम्हारे केस में तो बारीकी से काम करना पड़ेगा। रात को 10 बजे पेपर लेके आओगी ना? कोशिश करूंगी। अब चलती हूँ। अच्छा अच्छा, संभल के जाना। तू तो कह रहा था कि तलाक रोक लेगा, मगर ये तो तलाक की जिद लेके जा रही है। ये चिट्ठी उसको दे दे, तलाक अपने आप हो जाएगा। मैडम, वकील साहब ने ये चिट्ठी आपके लिए दी है। अभी तो मैं उनसे मिल के आई। उनका यही स्टाइल है। देखो, तलाक तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन तलाक के बाद तुम अपनी जिंदगी का अकेलापन दूर कैसे करोगी? उस अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझे अपना हाथ दे दो। तेरी बेटी की उम्र क्यों शर्म नहीं आती तुझे? तुम सबके सब हवस के पुजारी होते हो। अकेली और लाचार लड़की को देखकर लाइन लगाना शुरू कर दोगे? अपने ठरकीपन से बाज आ जाओ, नहीं तो सरिया घुसा दूंगी, याद रखना। छी 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 छी, इतने बड़े लॉयर ने मामूली छोरी के हाथ से चाटा खाया? मीटू का चक्कर तो नहीं था ना? तो गालों पे लाली क्यों है? क्या लाफा मारा था, तालियां बजाने को मन कर रहा है। बहुत मारा। ए, चुप कर। उसने बस एक ही चांटा तो मारा। मानिक, मैं तेरे सारे केस लड़ूंगा, इसके बारे में किसी को मत बताना, इनको भी बोल दे। लड़की का एक चांटा और आतंकवादी की 10 गोली बराबर है। बात तो सही है। अगर थप्पड़ का जवाब नहीं दिया ना तो कल आके फिर ठोकेगी, तभी क्या करेगा तू? खाते रहे मार। सही बोला मानिक, तेरी बात से मेरे को एक आइडिया आया। उसको मैं केस में ना ऐसा फंसाऊंगा कि उसके घर के सारे कपड़े लत्ते गहने बिक जाएंगे। छोड़ना मत उसको, ये जोश कायम रखना, चाहिए तो शिराजीत खा लेना, अश्वगंधा भी चलेगा। क्या चाल चली है, अब तो तलाक हो ही नहीं सकता। अरे मानिक नाम है मेरा। देखा तुमने, ये सब मानिक की चाल है, ये जलता है ना हमारे प्यार से, इसीलिए ये सब कर रहा है।
पर तुम घबराओ मत, मेरा दोस्त वकील है, संभाल लेगा। कितने दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम बैठते तो ऑफिस में हो लेकिन दिमाग कहीं और होता है। मेरे अलावा भी कहीं और दिल लगा लिया क्या? इस ऑपरेशन के लिए हमें अमेरिका से डॉक्टर बुलाना होगा, उसमें काफी खर्चा हो सकता है। आप खर्चे की चिंता मत कीजिए, मैं खुद बिक जाऊंगा लेकिन अपनी बहन को दुखी नहीं होने दूंगा। भाई 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 वो हाथी के आगे है। और वो बवा सिंह? हाँ, वो मारने को है। अरे भाई गिरी में मैं उसका बाप हूँ, वो सिंह लेके पैदा नहीं हुआ है। भाई वो आ रहा है। अरे आने दे उसको। क्या हुआ, मेरे से डर लग रहा है? डरता हूँ आपके प्यार से छोटू भाई। अरे रे रे रे, क्या प्रॉब्लम है? जस्ट टेल मी। पैसे री प्रॉब्लम है। वो हम आया। कितना चाहिए भाया? 40 पेटी। समझ ले, बैंक तेरे को लोन देने खुद आया है। कैशियर नजर मत लगा, सारा तेरा इस तो है, सूटकेस वापस कर देना। थैंक्स भाई जी, इसको मेरे तकिए के नीचे दबा दे। भाई जी क्या किया, खरीद लिया आपने मेरे को, एक हफ्ते के लिए गुलाम बन जाऊंगा आपका। ना? बोलो तो। तूने जबान दी है, जबान उल्टी मत घुमाना। आई लव यू ब्रदर। आई लव यू टू। अरे आजकल टीवी सीरियल बहुत देख रहे हो क्या? हाँ कसम से बच्चा है यार, क्या चल रहा है मन में, क्या चल रहा है? एक ब्यूटी से लव हो गए। लवेरिया? लवेरिया क्यों, मेरे को नहीं हो सकता। हर कुत्ते के दिन आते हैं, आपके भी आ गए। कौन सी ब्रीड है, मतलब कौन सी लड़की है? मैं पटाता हूँ ना उसको आपके लिए। चॉइस क्या है, खतरनाक। वो नहीं मिली ना तो दो चुटकी सिंदूर की डिब्बी में कूद के जान दे दूंगा मैं, कंधे पे लटक जाऊंगा। अरे मरे आपके दुश्मन, इतनी फीस काय को लिए? आप आवाज करो, कोई भी हूर परी हो आपके कदमों में डाल दूंगा। अंबानी से भारी शादी होगी, प्रॉमिस, एकदम पक्का। शपथ, आपकी कसम। बल्टी मत मारना, तारीख बदलेगी मैं नहीं। देखो कैसे ब्लाउज में हाथ डाल के निकाल रहे। भरोसा नहीं है भाई जी, कमाल करते हो आप भी। थैंक्स। मेरी जान सौंप के जा रहा हूँ तेरे को, फोटो को कुछ करना नहीं है। चला रे, दादा लगी, दादा लगी। इंसान हो ना, ये इंसान के भेष में भेड़िए हो। पैसों के लिए तुमने दीन धर्म सब कुछ बेच दिया, किसी दिन इन पैसों के लिए मुझे भी बेच दोगे। मरने के बाद पैसे ऊपर लेकर जाओगे क्या? मैंने ये सोचकर तुमसे प्यार किया कि तुम्हारे लिए अपनी फैमिली ही सब कुछ है, लेकिन आज पता चला कि जरूरत पड़ने पर तुम अपनी फैमिली को भी किसी मारवाड़ी के पास गिरवी रख सकते हो। अपनी बहन की शादी किसी गुंडे से करोगे? ये है तुम्हारा असली रूप। छे, अब तो घिन आने लगी है तुमसे। तुझे क्या मैं इतना लालची दिखता हूँ जो अपनी बहन को बर्बाद करूंगा? अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ अपने परिवार से, मर भी सकता हूँ उनके लिए। पता है दिन रात मेरी बहन की फिक्र करता रहता हूँ, उसी की खुशी के लिए जीना मेरा मकसद है। दुनिया भले मुझे लोभी समझे, पैसों का लालची समझे, फर्क नहीं पड़ता, मैं भी कभी अच्छा इंसान था। जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों बना? ये क्या कर रहे हो तुम, टेबल क्यों बजा रहे हो? इनके साथ ना इंसाफी जो हुई है। अच्छा तो तुम इनके लीडर बनकर आए हो? हाँ तो क्यों बार बार चले आते हो तुम लोग? पेंशन लेने के लिए आते हैं ये लोग। इनको पेंशन नहीं मिल सकती है। क्यों नहीं मिल सकती? सरकारी रिकॉर्ड में ये सब मर चुकी हैं और अपने को जिंदा साबित करने तक ये सच में मर जाएंगे। तो तू ऊपर जाके पेंशन दे दे। अच्छा तू यमराज है? सीनियर सिटीजन, टेक पोजीशन। अरे ये सब क्या है,
तेरी टिकट काट रही है। लेकिन ये ऐसा करेंगी तो पुलिस केस बन जाएगा। टोकरे भेजे में मगज है कि नहीं? रिकॉर्ड के हिसाब से दादियां मर चुकी हैं। कभी पुलिस को मुर्दे को अरेस्ट करते हुए देखा है? बावड़े ठोको इसको। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ। अरे मैं कुछ करता हूँ। पेंशन दे यार रोमा, जिंदा है तू, जिंदा है। हाँ सबको पेंशन मिल गई ना, अभी गोवा अलीबाग जाके आ जाओ, ठीक है ना? इन बुढ़ियों को जब से पेंशन के पैसे मिले पता क्या बोल रही हैं? माँ जी आपका बेटा तो भगवान बन गयो है, और मोहल्ले वाले बोल रहे हैं बाप रे आपका बेटा तो हाथ से निकल गयो है, गुंडो बन गयो है। आने दे, आज अगर मैंने उसे करेले का जूस ना पिलाया तो मैं भी उसकी माँ नहीं। आ गयो पेंशन के पैसे बांट के, आज मेरे गुस्से से कोनी बचे। आ गया पीसे है कि नहीं? इस तरह लोगों के साथ गुंडागर्दी करोगे तो कौन तुम्हारी बहन से शादी करेगा? कई हुआ, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भी एक दर्जन भांजे हो? जरा माँ का मुंह देखो, मैं उनके सीने पर एक पत्थर के बोझ की तरह हूँ जिसे वो शादी करके घर से विदा कर देना चाहती है। अरे लेकिन तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। अरे रुक जाओ, अब कहाँ जा रहा है? हो जावे तो बुला लेना, मैं बात करती हूँ। सुन इंसान है, गलती हो जावे, माफ कर दे भाई ने। इनसे पूछो कि घर वाले जरूरी है या बाहर वाले। माफ कर देना गुड़िया, माफी मांग रहा, माफ कर दे अपने भाई को। माफी मांग के फिर से वही हरकत करेंगे? ना करेगा, मैं गारंटी लेती हूँ सर की कसम। ठीक है आप कह रही हैं तो माफ कर देती हूँ। अरे धूप में घूम के काला हो गया, जा घसघस के नहा ले। क्या भैया कैसी थी मेरी एक्टिंग? सच में डरा दिया तूने। तेरे से अच्छी एक्टिंग कोई हीरोइन कहाँ करती है? सच में? हाँ। तो मुझे बॉलीवुड में एंट्री मिल जाएगी ना? सिनेमा वाले पैसे नहीं देते, टिकटॉक पे कुछ बना लेना। टिकटॉक ठीक ठाक नहीं है भैया। तो मेरे को शेंटी लगा रहे थे, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ सब जानू। ले बेटा खा, जब तू लोगों की मदद करे से ना और वो आके तेरी तारीफ मुझसे करते हैं तो लागे दूध का कर्ज उतर गया। पर इस सब में तुझे कुछ हो गया बस बस, तो मैं और तेरी बहन किसके भरोसे जिएंगे? ये सोच के डर लागे मने। अरे माणिक, स्वाति के मोबाइल में कुछ हो गया है, क्या है बता तो सही। डिस्प्ले। हाँ वही। कांग्रेचुलेशन। इनसे बोल के कोई फायदा नहीं है माँ। अरे दफ्तर जा रहा है, रिपेयर करा देगा। अभी तो सिर्फ डिस्प्ले ही गया है, इनको दूंगी तो फोन भी चला जाएगा। ए? मैं बिना डिस्प्ले के ही काम चला लूंगी। इसको प्रेशर कुकर में डाल के पका ले, ठीक हो जाएगा। अरे पर तो दोनों भाई बहन एक जैसे हो, मारी तो कोई सुने ही ना। हट। सर अपनी तशरीफ का टोकरा यहाँ रखिए। अबे मेरा टोकरा है, मैं इधर ही रखूंगा। सर यहाँ बैठेंगे तो कान लाल हो जाएगा। क्या लाल हो जाएगा? तू करेगा, करके दिखा, करके दिखा, करके दिखा। पागल है क्या? काय को मारा बे? सॉरी सर, टेंशन में कंट्रोल नहीं हुआ। टेंशन? अबे टेंशन में होगा तो क्या सबको मारता फिरेगा? घर में मेरी बीवी टेंशन में रहती है, वो मेरे को मारती है। इधर तू टेंशन में है, तू मेरे को मार रहा है। तू बता मेरे को टेंशन होगा तो मैं किसको मारूंगा? गुस्से को खांस के थूक दीजिए। ए भाई तू थूक दान मत बन, साइड में बैठ जा। ए तेरे बाप की उम्र का हूं मैं? मेरे पास आधार कार्ड है। ए भाई बोलने का हक है। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। तू कौन से स्कूल में पढ़ा है, स्कूल का नाम बता। भाई जी जरा इधर। अरे उससे बात कर रहा हूँ, तू काय को गाली खा रहा है? गाल गरम हुआ काका? तुम मेरी बीवी के भाई लगते हो क्या? नहीं तो भाई को? वो क्या है, वो जब भी टेंशन में होती है अपनी चप्पल पानी में भिगोती है और मुझको धोती है। भाभी डेली टॉनिक पिलाती है। पर भाई मोहल्ले में किसी को बताना नहीं, मेरी बड़ी इज्जत है। सॉरी मेरे भाई। उसको बोल। सॉरी बेटा, अपने पापा को कहना कभी घर पे चाय पे आए। ठीक है मैं चलता हूँ। ऑटो बेटा इधर आ तो। थैंक यू सर। थैंक्स। छोड़, और ये बता सबको चपेट क्यों लगा रहा था? दिमाग की नस पर टेंशन सर। टेंशन क्यों, नौकरी छूट गई है क्या? नहीं सर, गर्लफ्रेंड टिकटॉक बनाने में बिजी है। अरे बनाने दे, उसमें कमाई बहुत अच्छी है। अब समझे नहीं सर, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे पूरे सवा दो दिन से फोन नहीं किया है। तो क्या हुआ? आज मेरी आजादी का दिन है। ओह हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है सर, और वो पगली है कि मुझे फोन ही नहीं कर रही है। अगर उसका फोन नहीं आया ना सर, तो मैं गुस्से में ऑफिस चले जाऊंगा। सुन पप्पू, पहली वाली जब एक दरवाजे से निकलती है तो वहीं से दूसरी आती है। सर वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है और मैं उसके दिल का टुकड़ा हूँ। पप्पू बड़ा नॉनवेज प्यार है। हेलो अर्जुन। हाँ हेलो बोलना। सर वही है सर। हेलो एक सेकंड। और देर होती तो मेरा फोन से दम निकल जाता। ये थोड़ी देर पहले ही घर से निकले, कैसे फोन करती? देखो ना मेरी चार्जिंग उतरी है, कहाँ आ रही हो, कब आ रही हो, जल्दी बोलो ना। हेलो हेलो उतर गई। ये फोन कितना वापस लाइन जोड़नी है, जुड़वा देता हूँ एक सेकंड।
ये ले, गिराना नहीं। सर पगार होती नया फोन लूंगा सर। हेलो। देखो ये किसी और का फोन है, ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, सीधे पार्क में आ जाओ। इस बार पार्क में नहीं, किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं। नहीं नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, तुम पार्क में आओ ना। खाने का बिल मैं दे दूंगी, लेकिन हम रेस्टोरेंट में ही मिलेंगे। ओके, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ इसलिए फायदा उठाती हो। ठीक है, दिल्ली दरबार में मिलते हैं। थैंक यू सर। क्या उसने काट दिया? मेरी बात ही नहीं सुनती, एक लौती बेटी है ना, काम वाली रख ले। उसके पैसे का खाते अच्छा नहीं लगता। दरअसल चले गए, एक दे पर नेक दे। इस वक्त स्वाति का फोन, कुछ काम होगा। हेलो, अभी जिनसे बात हो रही थी उन्हें फोन दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैसेज ही दे दीजिए। वो नाराज हो गए हैं मुझसे, उनसे कह दीजिए कि मैं पार्क में ही आ रही हूँ। और हाँ, आम के पेड़ के नीचे जो बेंच है उस पर ही मिलूंगी। आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू सर। ए टेंशन की दुकान। हाँ, आप गए नहीं सर? उस लड़की का फोन आया था। कौन सी लड़की सर? कितनी लड़कियों से अफेयर है तेरा? सर गलत मत समझो, दूसरी में सोच ही नहीं सकता, इसी का बहुत खर्चा है। उसी का फोन था। क्या बोली सर? तो पार्क में मिलना चाहता था ना, उधर ही आने को बोला है तेरे को। देखा ना सर, मेरे ऊपर अपनी जान छिड़कती है, मैं भी उस पर गंगा जल छिड़क के अपने घर ले आऊंगा, शादी करूंगा सर। ठीक है, चल पीछे बैठ जा, मैं तेरे को ड्रॉप करता हूं। सर आप महापुरुष है सर। लपक ले। सर ठोकना नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई है। कितना एवरेज देती है सर? पार्क आ गया, उतर जा। इतने सारे आम के पेड़ कहां ढूंढूं उसे। थैंक यू सर। ये वरुण कहां रह गया, अभी तक आया नहीं। भैया आप यहाँ? तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ याद आया, वो मेरी फ्रेंड जया मुझसे मिलने आने वाली है। ये गिफ्ट किसके लिए? उसी के लिए भैया, उसका आज बर्थडे है ना, तो ये सरप्राइज गिफ्ट है। ओहो अच्छा है, चल ठीक है बैठ के बात करते हैं। ये क्या भैया, आप जाओ ना वरना वो आपको देख के चली जाएगी। अरे आने दे उसको, मैं भी उसको हैप्पी बर्थडे बोल दूंगा, तुम दोनों को नाश्ता भी करा दूंगा। आपको पता नहीं भैया, वो बहुत शर्मीली है, वो पर्दे में रहती है, उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। बहुत खूबसूरत है। ठीक है आने दे उसको, मैं वहाँ खड़ा होके ना उसको देख लेता हूँ। भैया आप यहाँ से जाओ ना। अरे पत्तों की आग से देखूंगा। समझते ही नहीं है कि बहन बड़ी हो गई है। अब ये वरुण कहाँ रह गया? हे मैं आ गया। कितने गलत टाइम पर आया ये। मोती छू। क्या कहा? बेहरा है क्या? क्या भैया आ रहा हूं ना। समझना यार प्लीज, गो जाओ यहाँ से, भागो। क्या हुआ, क्या इशारे कर रही हो? हे कौन है तू? हाँ अपने आशिक से ऐसे बात करते हैं क्या? दोबारा मुझे छेड़ा तो देखना, पूरी पुलिस फोर्स बुला लूंगी मैं। पप्पू 6 सेकंड लेट हुआ तो क्या पुलिस को बुलाओगी? पुलिस भी टाइम पे नहीं आती। चलो ठीक है मेरी गलती है, बस लो झुक गया। समझने की कोशिश कर बे। सर आपकी भी गर्लफ्रेंड आने वाली है? मेरे कलेजे का टुकड़ा यही है सर। ओहो। बस स्टॉप पे इसके लिए मेरी धड़कन स्टॉप हो रही थी, आपने देखा था ना? देखा। 6 सेकंड लेट पहुंचा तो पहचान नहीं रही है मुझे। अरे इन लोगों का बहुत नाटक रहता है। भैया मैं सच में इसे नहीं जानती, ये मुझे बहुत देर से तंग कर रहा है। भैया भैया रॉन्ग नंबर, ये मेरी वाली नहीं है। ये वाली तो बहुत खूबसूरत है, मेरी वाली अंधेरे में दिखती नहीं है। तो इससे क्यों बात कर रहे थे? मैंने इससे बात किया टेंशन में सर, जब से प्यार किया हूं यही हो रहा है, दिमाग कुमा में चला गया। सॉरी देवी जी, आपकी बहन बहुत अच्छी है, मेरी वाली बहुत बेकार है सर। कहीं रेस्टोरेंट में तो नहीं गई? आपका दिमाग चलता है, मैं वही जाता हूँ सर। मैं तेरे को ड्रॉप करूँ क्या? नहीं सर मैं दब चुका हूँ, आपके एहसानों तले। अबे थोड़ा और दबा देता हूँ ना। अरे तेरी गर्लफ्रेंड को एक नजर देख लूंगा यार। नहीं नहीं सर। अरे मुंह बंद कर, तेरे को टेंशन में देख के मुझे टेंशन आता है। तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे तेरे को लड़की के भाई ने पकड़ लिया हो। सर इनकी शादी हो गई क्या? कल सगाई है परसों शादी है, तू भी दावत लूटने आना। क्या बढ़िया, मम्मी मरी गयो। हाँ फूल वहाँ रखो, हाँ लड्डू की थाली मेरे पास रखो, हाँ देसी घी का ये महंग रहा है, मुहूर्त का समय हो रहा है, जल्दी से वर वधू को बुलाओ यहाँ। अरे दक्षिणा में मैं काजू कतली लेता हूँ, लड्डू क्यों लाई? स्वाति रेडियो
ये कपड़े ऐसे ही पड़े हैं, उधर मुहूर्त निकला जा रहा है, क्या कर रही है तू? भैया, बचपन से माँ से ज्यादा आपने मुझे प्यार किया, मैंने जो कुछ भी मांगा आपने कभी मना नहीं किया। अभी क्या मांगने वाली है तू? एक बात है भैया। क्या है वो? आपको पता है, अभी मैं कोई भविष्य बताने वाला पंडित हूँ? वो जो पार्क में मिला था ना। कौन है वो? वरुण। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ भैया, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता। भैया कहाँ ले जा रहे हो? यही वो लंगूर है? स्वाति दिख क्यों नहीं रही? हाँ भैया, यही तो है वो। सुबह से हमारे घर की चौकीदारी कर रहा है। तू टेंशन मत ले, तेरा होने वाला दूल्हा यही है, मैंने पूरा बंदोबस्त कर दिया है। ओ थैंक यू सो मच भैया, आप कितने अच्छे हो। अभी तू चुपचाप रहे, पप्पू को पपलू बनाते हैं। जा रेडी हो जा। ए टेंशन की दुकान, यहाँ क्या कर रहा है? सर वो मैं लोगों के घर पे अखबार भी डालता हूँ। सर आपके घर में पूजा है? नहीं, मेरे घर में स्वाति है। तेरे को बोला था ना उसकी सगाई हो रही है आज। चल थोड़ा दाल बाटी चूरमा खा ले। नहीं नहीं सर, मुझे ऑफिस जाना है। अरे कौन से झंडे गाड़ लेगा ऑफिस में, चल। सर आजा, सबसे मिलाता हूँ तेरे को। उसकी उंगली में मैं अंगूठी डालने वाला था, पता नहीं अब कौन डालेगा, किस्मत ही खराब है मेरी। आजा बैठ जा सोफे पे। ए नागार्जुन जी, स्वाति रेडी है कि नहीं, बुला ले उसको। ठीक, बोल जल्दी करने के लिए। अंदर से मेरा दिल रो रहा है, बेचारी स्वाति भी बिलक बिलक के रो रही होगी। अब इधर क्या खड़ा तू? भैया मैं कैसी लग रही हूँ? आपका फूल। हाँ कैसी लग रही है? बहुत अच्छी सर। अरे दिल खोल के बोलना, पैसा लगता है क्या? कयामत लग रही है। स्वाति पप्पू को पहचाना? अरे वो बगीचे में मिला था ना, पार्क वाला लड़का। हाँ गार्डन वाला। कैसे हो तुम? पूरी सगाई देख के जाना। हाँ यो छोरा कौन है? मेरा फ्रेंड है, एक लड़की ने इसे प्यार की नैया में बिठाई और बीच में ही धक्का मार दिया। आजकल जमाना बहुत खराब से, लड़की घूमती बाइक वाले के साथ है, शादी कार वाले से करे। सही कहा आंटी, बिल्कुल करेक्ट। अब सब लड़कियाँ मेरी बेटी जैसी थोड़ी हो गए। बेटे दाल बाटी खा के जाइयो। हाँ इसके बच्चों को लोरी सुनाऊंगा, डायपर भी बदलूंगा, पॉटी भी साफ करूंगा, बर्तन मांजूंगा, खाना बनाऊंगा। प्यार मुझसे किया, पार्क मेरे साथ गई, लेकिन शादी किसी और से कर रही है, इससे प्यार करके मेरा पोपट हो गया। सर आपकी बहन मेरी आधी जिंदगी है और इसकी आधी जिंदगी मैं हूँ। अगर ये आधी जिंदगियाँ मिल गई तो एक नई जिंदगी का जन्म होगा। इंसान मत ले, ये भूचाल तेरी जिंदगी में आएगा। सच्ची? तेरा ऊपर वाला ही मालिक है। और बन गया ना, ओए मंगनी हो रही है तेरी, इसीलिए तो पक्का किया रिश्ता। थैंक यू साले साहब, थैंक यू सो मच। मानिक सगाई की रस्म तो मलाई के माफिक हो गई है, अब शादी का मुहूर्त बर्फी की तरह है, निकाल दूं? एक बात तो बताना ही भूल गयो, वरुण को लंदन में जॉब मिल गई है, उसके लौटते ही शादी करेंगे। आप क्या कहते हैं चाचा जी? ठीक है पुत्र, आओ जी आओ। बैठिए ना। सारी तैयारी तो हो गई ना? हाँ। सबके साथ इस तरह बैठ के खाने का मौका एक साल बाद ही मिलेगा। प्लेन टाइम पे है ना? हाँ राइट टाइम पर है। आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ने चलेंगे ना? लंदन की छोरियां सच में गोरी होती है? उनकी खाल, उनके बाल, उनके गाल सब वाइट होता है। तो मेरे लिए गोरी ढूंढ के रखना। थोड़ा मुश्किल है, वो इंडियंस को घास नहीं डालती। टिकट बम बम बम। ये बस इतनी लहरा के क्यों चला रहा है? लगे ड्राइवर मुसीबत में। वरुण गाड़ी घुमा जल्दी। जय जिनेंद्र। मानिक भैया क्या कर रहे हो? रुक जाओ भैया, रुको। बच्चों की जान बचाने के वास्ते गाड़ी थोड़ी नजीक लेनी पड़ेगी। भैया आप समझ नहीं रहे हैं। एक दबाने वरुण थोड़ा नजीक ले। भैया प्लीज रुक जाइए, ऐसा मत करो, रुक जाओ, अपनी जान को जोखिम में मत डालो। और नजीक नजीक नहीं। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, मैं बच जाऊंगा। भैया आराम से बोल के, भैया भैया आराम से, भैया बी केयरफुल, भैया जी।
आंखें खोल, आंखें खोल वरुण, वरुण। एक मिनट वरुण, ए वरुण भैया इधर देख, तू ठीक है ना भैया? मेरे माँ बाप का ध्यान रखना, स्वाति का भी। कुछ कुछ नहीं होगा वरुण, तू जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना वरुण भैया, मैं मरना नहीं चाहता हूं। उस दिन से पैसे कमाने की मशीन बन गया हूं ताकि इसका ऑपरेशन करवा सकूं। लोग मुझे पिस्से का लोभी मानते हैं, यही माणिक की पहचान बन गई है, लेकिन ऐसा क्यों करता हूं यह कोई नहीं जानता। किसी भी तरह मेरे को वरुण का इलाज करवाना है, इसके लिए हजारों नहीं लाखों लगेंगे। कहां से लाऊंगा इतना पिस्सा? सीधे साधे रिश्ते में कमीशन भी कम मिले, इसीलिए टेढ़े मेढ़े रिश्ते करवाने लग गया ताकि मुझे मुंह मांगे दाम मिल सके, और इसीलिए आज मैं लोगों की नजरों में गिर गया हूं। अपनी बहन के सुहाग की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक मैं गिरने को तैयार हूं। मेरी बहन मेरे लिए अपनी जान से बढ़कर है, अपने प्राण भी दे दूंगा उसके लिए। तूने कैसे सोच लिया कि अपनी बहन का हाथ उस छोटू बदमाश के हाथ में दूंगा? सॉरी माणिक, तुम अपनी फैमिली से सच में बहुत प्यार करते हो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में गलती की, मुझे भी अपने परिवार का हिस्सा बना लो। एक बार और सोच लीजिए ना। ए तू चुप रहे, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर भाग गए तो हम लोग क्या कर लेंगे? तो पुलिस केस कर देंगे ना जी। मैं सब संभाल लूंगी, पुलिस केस की नौबत ही नहीं आएगी। आप लोग कब आएगा? तुझसे पहले। ये मेरे को देख के शर्मा क्यों गई? हमारे घर की औरतें जवाइयों को मुंह नहीं दिखाती। जवाई कहाँ है जवाई? मेरे को तो नहीं दिख रहा। चश्मा लगा के भी नहीं दिखता, तू ही तो है। बेटा तुझे इसलिए पसंद किया ताकि जो तेरी फीस है ना वो हमें ना देनी पड़े, उल्टा मैं तुमसे दहेज लूंगा, अब तुम्हारा जीवन बीमा फ्री में हो जाएगा। ए सुनो, डील फाइनल हो गई, आ जाओ। उनको बोलो ना मुंह उधर कर ले, मुझे शर्म आती है। तुम्हारी शक्ल से डरती है, मुंह उधर को कर लो। हाँ 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 बेटा, अब तो खुश हो ना? फिर देख रहा है। अरे मुंह उधर कर लो यार, बेहोश होके गिर गई तो हॉस्पिटल का सारा खर्चा मुझे करना पड़ेगा। बुला लो कर ले कर ले, चलो अब। बाय बेटा। बाय माँ। चलो रख बेटी। बाय। तेरी माँ ने इस बुड्ढे के साथ शादी क्यों की? तुझे हल्दी और मुझे मेहंदी लगेगी, तैयार रहना। तन्ने तो पता है मैं अपनी बहन की शादी के लिए कितना टेंशन में हूँ। मालूम है, टेंशन मत ले। अच्छा एक मिनट रुक, मैं कुछ करती हूँ। अभी किसको फोन लगा रही है तू? पावलिकम छोटू। अरे छोटू, उसको फोन लगा के क्या करेगी? मैं उस पावलिकम को ये बता दूंगी कि उसका रिश्ता यहाँ नहीं हो सकता, तुम्हारे घर की महारानी तो अब मैं ही बनने वाली हूँ ना, तो उस छोटू का यहाँ क्या काम? हेलो, कुछ तो बोलो। देख मैं कहता हूँ फोन कट कर दे। मुझे आई लव यू बोलो, लाइन कट जाएगी। अरे वो छोटू बहुत गले पड़ू है बाबा। आई लव यू बाद में, शादी का प्रॉमिस करो, काट दूंगी। लाइन कट गई रे। 10 रुपए का टॉपअप किया था ना, बैलेंस तो होगा ही, तो कॉल बैक करो। उसी का है। अब तू फोन तो उठा। फोन उठा और जो मैं बोलता हूँ बोल। हेलो, कौन है? ये फिर से काट दिया यार। फोन लगा। सुन अरे फिर से उसी का फोन। हेलो हेलो, आई लव यू। आई लव यू बोल ली पंडर, मेरे को एक लड़की आई लव यू बोली। आजा मैं क्या है ना भाई। हेलो चलो चलो। सॉरी जैन, ये बात 10 दिन पहले बताती तो शुभ मंगल कर लेता, पर अब शाइना ही बुक कर लिए, बहुत देर हो चुकी है। अबे काई को? मिल गई है गबाई को, उससे लव है मेरे को। वो लड़की मैं ही तो हूँ। तुम हो? अब आ जाओ ना मिलने को। नहीं मिल सकती, बुरा हूँ उस पंडित का। पंडित को क्यों गाली दे रही है? पंडित ने कहा शादी से पहले उससे मिलोगी तो पुलिस उसे इतनी गोली मारेगी कि उसकी बॉडी और छोटी हो जाएगी। सही कहा। तो जानो हम बात कैसे करेंगे? मुकेश भाई के नेटवर्क पे, फोन पे, और अगर गिफ्ट बिफ्ट देना हो तो माणिक के ऑफिस में रखवा देना, वहीं आकर कलेक्ट कर लूंगी। प्यार में इतनी कंडीशन अप्लाई काय को? अभी तेरे को मेरा घूंघटा उठाना है ना? उठाने का है तो वफादार डॉगी की तरह मुझे फॉलो कर। भाव भाव अब काट। ओके भाव भाव।
हमारा मंदिर का घंटा हो गया, कोई भी हेरा गेरा बजा रहा है। पता है उसने मुझे जानू कहा। बहन के लिए करना पड़ेगा, उसके पास स्वाति की फोटो है, कहीं उसे परेशान ना करे। उसके लिए तुम ही स्वाति हो, फोन आए तो साइलेंट मत कर देना, उठा लेना, चुम्मी चाहिए ना। अपनी मुंह छुपे मुझे लटकने दोगे ना? अभी कुछ बोल दो। ए, अगर जिंदा रहना तो लड़की हमारे पास छोड़कर निकल जा। ए, तू चल। क्रिश! सॉरी सर, अंदर रखो ना, चाकू है, लग जाएगा। सॉरी क्रिश। अरे असली चाकू है, घुस जाएगा, पता है कितने टांके आएंगे। थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो, अगर इन लोगों ने चाकू मार दिया तो मेरा तो मर्डर पक्का है ना। एक्चुअली मैं तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी पोस्ट के लिए कर रहा था, सोचा था प्रमोशन मिलेगी, पर मैं जीना चाहता हूँ। तुम बाबूराव के लिए बेस्ट हो, ऑल द बेस्ट, प्लीज कैरी ऑन। बाय गाइस, बाय। भैया थोड़ा साइड देना। बाय। खम्मा गड़ी भाई, गणी खम्मा, गणी खम्मा। अब तो कृष्णा का रूप देख लिया ना, खुद की जान बचाने के लिए भेड़ियों के हवाले कर दिया तेरे को। आज बाबूरा उसकी जगह होता ना तो अपने प्राणों का बलिदान देके तेरे को बचाता। ये पीतल और सोने का फर्क है। तेरे को आइडिया है, बॉबी मेरे को पहली बार कहाँ मिला था? रेलवे ट्रैक पे सोया था, तूने उसके प्यार को ठोकर मारा, इसलिए मैंने उसे किसी तरह बचाया। तुम दोनों को करीब लाने के लिए उस दिन एक्सीडेंट का प्लान मैंने ही बनाया, ये नकली गुंडे भी मैंने ही भेजे, इसमें बाबूराव का कोई लेना देना नहीं है। और अभी भी यकीन नहीं हो ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, नुकसान तेरा ही है। अरे बॉस, कही वो बाबूराव मरने जा रहा है। तो मरने देना, मेरे बाप का क्या जाता है, जाके शमशान की बुकिंग कर ले उसके लिए, मरने दे। मानिक भाई प्लीज मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। मेरे को सुना नहीं? मेरे पति देव को बचा लीजिए। वाह भाई वाह, वादे से मुकरेगी नहीं ना। बाबूराव फिर से ड्रामा। अगर आप मना करती तो ये फिर से सुसाइड कर लेता। इसको मंगलसूत्र की हथकड़ी में जकड़ लो। और क्या? सॉरी सुरेखा। हाय भाभी। पहले तो मुझे मारना चाहती थी, अब ये प्यार की बौछार क्यों? पहले मैं तुमको गलत समझी थी, लेकिन भैया को तुमने ऐसा आटे में लिया कि वो तुम्हारे भक्त बन गए। क्या कहते हैं मेरे बारे में, प्लीज बताना बताना, थोड़ा थोड़ा बताना प्लीज। भाई ज्यादा सोचोगे तो वो चली जाएगी, जाके बात कर लो ना। अरे पंडित ने मना किया है ना। अरे तो कॉल करो। हाँ आइडिया। एक मिनट। हाँ ये छोटू का कॉल इस वक्त क्यों आ रहा है? छोटू तो ऊंचे पे खड़ा है, फोन क्यों नहीं उठा रही? यानी प्रॉब्लम? हाँ ये फोन असल में ना मेरी सहेली के आशिक का है। मेरी सहेली सोफे से गिर गई और इस वक्त हॉस्पिटल में है। अगर इस आशिक को पता चल गया ना तो वो टेरेस पे सोफा रख के कूद जाएगा, इसीलिए फोन नहीं उठा रही हूँ। काटूंगी तो जहर खा लेगा। मेरी एक मदद करोगी क्या? बोलो ना भाभी। इससे फोन पे बात कर लो ना प्लीज। ठीक है। देखा फोन तुम्हारी भाभी को दिया उसने, लव करती मेरे को। हेलो। हेलो। हाँ बोलो। हाय डार्लिंग। छी, फोन पर कोई कुत्ता है। कुत्ता नहीं जानू, मैं हूँ तुम्हारा पालतू। डार्लिंग तुम तो कोयल जैसी कूकती थी, ये कबूतरी जैसी गुटरगू कब से करने लगी, क्या हुआ जानू? तबीयत ठीक है ना, मैं दवा देने को आऊँ। रात को तुम्हारी याद में बाल्टी भर रोई तो गला बैठ गया। इतनी याद आ रही थी तो मेरे को एक फोन करती, मैं फोन के अंदर से ही आ जाता। आके क्या करते? आके तेरा गला दबाता, बैठे हुए गले को उठाता। अगर वो चुपचाप नहीं उठता तो उसमें रस्सी डाल के खींच के उठाता। एक बार मिलो ना डार्लिंग। हाँ? प्लीज अकेले में अकेली मिलो। क्या हुआ, मुझे अकेले में बुला रहा है? मेरा लव टॉक सुनना नहीं है? कहो जिसने रिश्ता करवाया है ना, पहले उसे बुलाओ। सुनोगे तो ढकेल दूंगा। हेलो। जिसने हमारा कॉन्टेक्ट करवाया, अगर वो मिलने को बोलेगा तो मैं तुमसे आकर मिल लूंगी। ऐसा ओके मानिए। तू भूत है क्या? आका मेरी फ्यूचर वाइफ नीचे खड़ी है, मिलने को बोलना। अब समझ में आया, वो तुम्हारा ट्रायल ले रही है छोटू भाई। ट्रायल?
उस घमंडी घोड़ी ने छोटू को गधा समझ रखा है, खच्चर समझ रखा है, मच्छर समझ रखा है, चिंपांजी समझ रखा है, गली का कुत्ता। माफ कर यार, इनके सामने तो मेरी इज्जत कर। इसको इन्फॉर्मेशन किसने दिया रे? नहीं नहीं, मैंने नहीं दिया। मेरा खून खोल रहा है। कंट्रोल कर, कंट्रोल कर। वो चाहती है कि पंडित की बात सच हो जावे, तुम्हारा एनकाउंटर हो जावे और वो किसी और की हो जावे। ये है उसका प्लान। अरे अक्कल के दुश्मनों, तुम्हारा छोटू भाई प्यार में बावड़ा हो गया है, तुम टपली मार के प्यार से समझाओ। अरे मानिक भाई, ये बौना आदमी हमारी सुनता है क्या? शर्ट के बटन तक खुले पड़े, बोलता है वातावरण बहुत गर्म है, बोल के पैंट की जिप तक खोल दी। चुप है, कुछ भी बोलता उसको है। दो पल के लिए मिलना है या उसकी पलकों में पूरी जिंदगी बिताना है? उसको गोदी में बिठाना है। लेकिन उसका वजन संभाल लोगे ना? मैं रोज बादाम और छुआरे दूध में भिगो के खा रहा हूँ, तो मैं घोड़ी और पिपुड़ी वाले को ऑर्डर दे देता हूँ। प्रॉमिस, प्रॉमिस, आशीर्वाद। मुक्का देख रहा है, निकल निकल, तू भी निकल। थैंक यू यार, वो ऐसी चुम्मी लेगी ठरकी कहीं का। वो ड्रेस अच्छी तो लगी ना? वो ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? शॉपिंग कर रही हो क्या? जी नहीं, जॉगिंग कर रहे हैं। ये ड्रामेबाजी बंद करो भैया। वैसे भी मैं पनीर में तिनका बन के क्या करूंगी। बाय भैया, बाय भाभी। अरे स्वाति, अरे सुन तो, दही कचौरी खा ले। पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी, वो छोटू यहीं पर था। एक बात बोलने का। बोले तो? आई लव यू। मातृभाषा में बोल के बता। तारे से प्रेम हो गयो। मानिक भैया, आप मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, मैं आपका एहसान मंद हूँ। भाई बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं, बहुत जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा। एक बार स्वाति रो हाथ थारे हाथ में सौंप दूं, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अरे इतो कई सोच रहा, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन से पहले मैं स्वाति और अपने माँ बाप से एक बार मिलना चाहता हूँ भैया। रुको, उत्तर की ओर देख के प्रार्थना करो। मूर्ति इस तरफ है और तू उस तरफ देखने बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मंदिर की परंपरा बोल रही है। कौन सी परंपरा? किसी भी भगवान को पूजने से पहले गणपति बापा को पूजना चाहिए। गणपति कौन है? शिव का बेटा। और शिव कहाँ है? काशी में। काशी किस ओर है? उत्तर की ओर। उत्तर कहाँ है? उस तरफ है। तो बैठे देखो और चुपचाप प्रार्थना करो। हम वेंकटेश्वर के मंदिर आए हैं तो शिव को हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? बात में उंगली करना जरूरी है क्या? शादी करनी है कि नहीं? करनी है। आप लोग प्रदक्षिणा करके आ जाओ, ठीक है? जल्दी करो। हाँ, हमेशा मैं आता हूँ, तू भी जा। भैया को क्या हुआ? क्या हुआ डॉक्टर? दौरा पड़ा है। वारुण! वारुण! उस वक्त इन्हें लेके जाओ। भैया इन्हें क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे पहुंचा? वरुण तो लंदन में था ना, फिर यहाँ हॉस्पिटल कैसे पहुंचा? बताओ ना भैया, क्या हुआ मेरे वरुण को? अरे टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। बताओ, मैं बताती हूँ। जानना चाहती हूँ ना ये सब कैसे हुआ। क्योंकि तू सह नहीं पाती। चुप हो जा, वरुण एकदम ठीक हो जाएगा। रो मत,
डॉक्टर सक्सेसफुल। थैंक यू डॉक्टर। कुछ ही दिनों में आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे सुनो भाई लोग, शादी पूरी होने तक एकदम चौकन्ना ना रहना। छोटू को इसकी खबर नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। चलो चल। हे मानिकचंद, क्या हुआ? कपड़े में कॉकरोच घुस गया? गजब हो गया। मेरे दूसरे पति का पलंग एक्सीडेंट में देहांत हो गया। दीदी आपकी बॉलिंग इतनी फास्ट होती है ना कि बैट्समैन बेचारा आउट हो जाता है। अब ये शादी वादी छोड़ो और काशी जाके मंजीरे बजाओ। मेरे अंदर शोला है, एक का चंदन जलेगा तो दूसरे को लगेगा। अरे इतनी शादियाँ कर करके सारा का सारा खजाना साफ हो जाएगा, आप लुट जाओगी। ये क्या बात कर रहा है? मैं लुटने के लिए तैयार हूँ, तो पैसे की चिंता मत कर, मुझे डोली चढ़ा दे, शादी करा दे। एक काम करो, यहाँ बहुत फोकट चंद घूम रहे हैं, पसंद कर लो, आपके पल्लू से बांध देता हूँ। मैं डोली चढ़ूंगी, मारती चढ़ेगा। इसको भूल जाओ, ये डिफेक्टिव है। ऐसा क्या? हाँ। कोई बात नहीं, अभी ढूंढना चालू करती हूँ, कोई ना कोई लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर मिल ही जाएगा। नयन पल्ले पड़ गई है बॉस। एक और मुसीबत। जय जिनेन्द्र, ये मेंढक कहाँ से आ गया? छोटू जी, खाना खा के जाना। क्या मानिक, भाई इनकी शादी कर रहा है और मेरे को बुलाया नहीं तूने? मेरे को उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे, इसलिए सोचा कि 12 रुपए का कार्ड क्यों वेस्ट करने का। आप बड़े बड़े डॉन और उद्योगपतियों की शादी में जाते हैं, हमारी शादी में क्या आएंगे? देखा तुमने मेरी इज्जत का कितना ख्याल है। देख मानिक, तुम्हारी बहन मेरी बहन है, तुम्हारी माँ मेरी माँ है, तुम्हारी बीवी मेरी भी। सॉरी सॉरी, थोड़ा ओवर हो गया। ओके, तुम्हारी बहन को बुलाओ, गिफ्ट दे के मैं कल्टी मारता हूँ। अभी रसम चालू है ना? ओके, मत बुला मंडली, रसम होने तक इधर ही वेट करेंगे। चला, मेरी आरती उतारेगा क्या? बाजू हट, आप जाइए भाई। चला रे, बहुआ तो जीत पे ही अड़ गया है। मुझे तो बनार से साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। आप लोग थोड़ा उधर जाएंगे? ओके। क्या है? अभी के अभी बहुआ सिंह को फोन लगा। क्या इस वक्त? अरे वो अचानक इधर टपक पड़ा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो जावे, जल्दी लगाना। अरे अगर उसे फोन किया ना, फिल्म देखने चलते हैं, खाना खाने चलते हैं, इतनी पप्पी करेगा कि मेरा फोन शर्मा जाएगा। अच्छा बात सुन, मुझे अगर तू फोन करेगी ना तो अगले मुहूर्त में हम शादी कर लेंगे। माँ कसम, अब एक बार तो क्या हजार बार कॉल करूंगी। मैं बैठे जा रही हूँ। ओके, हेलो डार्लिंग। किधर है बेजानू? एक शादी में खाना खाने आया हूँ। तेरी याद में ना मैं सुकड़ गई हूँ, तुझे देखे बिना मेरे हलक से निवाला कैसे उतरेगा रे? मैं निवाले को धक्का दे दूंगा, दिन रात मैं बस एक ही सपना देख रहा हूँ, मैं तेरे गाल पे अपने दांत गड़ाऊँ। मर गई, कसम खा। नहीं मैं तो खाना खाऊंगा। मेरे पास आ जा मेरी सूखी मूंगफली और मुझे इतनी पप्पी कर कि मुझे उल्टी होने लगे। तुझे उल्टी करनी है? कर दे कर दे कर दे जल्दी से, और मुझे पप्पी दे दे। देती हूँ ना, जल्दी से टमाटर गली पहुँच जा, फिर पप्पी और पप्पी वाली तेरी। ओके डार्लिंग, तुम्हारी पलक झपकने से पहले ही ये गुलाम हाजिर। पलक जल्दी मत झपका, थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, इंतजाम में कमी तो नहीं है भाई? मानिक मेरा कल्टी है। अरे बिना खाए जा रहे हैं छोटू भाई? अरे सूखे में बाहर आ गई, तेरी भाभी का फोन आया था मेरे को, टमाटर गली बुलाया है। बेस्ट अप लग दे, मैं चलता हूँ। अरे खाना तो खा लेते, पार्सल कर दे। अबे टकले, गिफ्ट का पार्सल तो दे। ये लो डिनर सेट है इसमें। ओह बच गए, बहुआ झांसे में आ गया। हेलो, आई लव यू छोटू। हनीमून पे हो क्या? इधर शादी के हॉल में हूँ मैं। बाल बाल बच गए छोटू, कि नक्की की हुई डेट पे शादी कर रहे हो, नहीं तो आज ऐसी हजामत करता कि बाल ही बाल बचते। आपने धंधा बदल लिया क्या? वैसे तो मैं करेक्ट टाइम पे फेरे ले रहा हूँ। अच्छी बात है, मेरे झोल का नाम बता। इसको सही एड्रेस दूंगा तो इसी हॉल में मेरी समाधि बना देगा। हेलो 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 छोटू, हेलो। हाँ बोलो, तुम्हारी आवाज आ रही है लेकिन आपकी नहीं आ रही है सर। अरे ये सब चालाकी।
बैंक से लोन लेने के बात करते हैं। तूने ये नायक का फोन काटा है, तेरी बॉडी में एक पार्ट छोड़ के बाकी सब काट डालूंगा। क्या मुसीबत है, दुम की तरह मेरे पीछे लगा हुआ है, अब क्या करूं? हाँ हाँ आइडिया, मानिक से आइडिया लेता हूँ, कोई गोटी फिट करता हूँ, वरना नायक गोली फिट करेगा। यूटन मारो, ऊपर चलो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मानिक, ये फिर आ गया, आया। प्लानिंग फेल हो गई। छोटू भैया, भैया जीजा जी करके बुलाना चाहिए था, भैया करके क्यों बुला रहा है? भाई जी मेरी बात तो सुनी। बहुत सुन लिया तेरा, क्या बोली थी? आई लव यू डार्लिंग, मुझे पप्पी दो। हेलो, मुझे डायमंड का मंगलसूत्र दो। मेरे को टमाटर रोड बुला के या किसी और के साथ भुर्जी बना रही है? मैंने हनीमून की दो टिकटें बुक की है, चल मेरे साथ। उठ उधर से, उसको तलाक दे। कौन है ये उल्लू, जू से भागा हुआ लगता है, भला मैं इससे लव करूंगी क्या? और क्या, मेरे को प्रॉमिस करके किसी और के साथ घर बसा रही हो? मानिक तू चुप क्यों है, सबको सच बता दे। छोटू भाई आपको गलतफहमी का कीड़ा काटा है, वो फोन करने वाली मेरी बहन नहीं, ये छोरी है। ये गुलाबी, चल गुलाबो शादी करेंगे, मैं तेरा दूल्हा, तू मेरी दुल्हन। ये क्या है, छी 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 क्यों कर रही है, पप्पी वाला फोन क्यों किया? मानिक ने कहा था इसलिए किया। ये सब भी करता है तू? मैं क्यों बोलूंगा, मैं क्यों बोलूंगा? पागल कुत्ते ने काटा है क्या इसको, जो ये तेरा नाम ले रही है? ये सब झोलमाल तेरा ही है, सच बोल वरना तेरे को घुसा डालूंगा। ये तेरा फैसला इधर नहीं, बड़ी अदालत में होगा, दादा के दरबार में। काला सूट बूट पहन के आएंगे, काली बंदूक लेके, और तेरे को गोली मारेंगे। रुक जा, अभी फोन करता हूँ। किसको? दादा। बोल छोटू। मानिक को देखो ना, मेरी जानू की शादी किसी और से करवा रहा है। हम दोनों को धोखा देने वाला इस दुनिया में नहीं रह सकता। मेरा दादा आएगा, तेरे को चीर फाड़ के रख देगा, शादी के हॉल को शमशान घाट बनाएगा। बोमला, ये एनकाउंटर ऐसे भी मेरे को ये एनकाउंटर करके नहीं बल्कि हार्ट अटैक देके मारेगा, अब मैं क्या करूं? छोटू। हाँ बोल मोटू, क्या कर रहा है बे? बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरा नाम भले ही नायक हो लेकिन काम सब खलनायक वाले हैं। उखाड़ ले, दोस्त किसको दे रहा है? अगर मर्द है, माँ का दूध पिया है, बाप का झूठा पानी पिया है और असली गन रखता है, उसमें कारतूस हो तो ठोक मेरे को, देखता हूँ तेरी मर्दानगी को। मेरे जोल में खाना खा रहा हूँ, आ तोड़ ले। मानिक, मैंने तेरी कौन सी भैंस चुराई रे, जो तूने उस सोए हुए शेर पे नुकीला पत्थर दे मारा, अब वो शेर आएगा मेरे को खाएगा, चाली बजाएगा। बस तू देखता जा, मेरा दादा आएगा, इधर से 40 किलोमीटर दूर है वो, पर 20 मिनट में आएगा, सबका ढोल फाड़ेगा। ऐसे भी 1 किलोमीटर दूर है, गोली फेंक के मारेगा ना तो भी घुस जाएगी। तू सच्ची बोल रहा है, पहले क्यों नहीं बताया? अभी बताया ना। फ्री में कोई आइडिया देना, बचने का एक ही रास्ता है भाई जी, जल्दी बता। पिपोड़ी बजवा लो अपनी, ये ट्रेन का टिकट है जो तत्काल बुकिंग कर लूं। चल मैं रेडी हूँ, लड़की कहाँ है बता? लड़की रेडी है, चार्ज डबल लगेगा। तो बुलाना दीदी। कितना मोटा जवान है। माँ अच्छी है, लड़की किधर है? डोंट वरी, शादी के बाद पैदा कर लेना। इतना बड़ा है एहसान, इससे बम्पर ऑफर नहीं मिला। बच गई पिपोड़ी, मेरा टाइम आ गया, बाराती आ गया। मुबारक छोटी कटे क्यों? इधर हूँ। वो जिंदगी देने वाला धागा किधर है? इधर है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके। एक दूजे पे हाथ मत उठाना, दोनों हनीमून के लिए कश्मीर जाना और बड़े बड़े सेब खा के आना, लेकिन शादी तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। अबे हनीमून के लिए कश्मीर भेज रहा है, मैं उधर से जिंदा वापस आऊंगा क्या? इस बम के साथ फटने से अच्छा है कश्मीर में फटू। मेरे लाल। वो देखो मेरे दादा आ गए, तेरे को तलक तलक तलक, दूसरा ढूंढ ले। दादा कौन है, किसको गोली मारना है बोल? आपके छोटे से भाई की उस बड़ी आंटी के साथ शादी करवा रहे। कौन सी वाली आंटी बेटा? उनके पीछे। अबे ओए आंटी कौन बड़ा? हाँ
मेरी छिपकली, मेरा कॉकरोच, गुलाबो, कॉकरोच, छिपकली। ओ दादा, ये सीमेंट की गोली आपको गुलाबो नजर आ रही है? तू चुप कर। यही गुलाबो तो है जिसकी वजह से आज तक इस जमीन पे सूखा पड़ा हुआ है। ओ मानिक, ऐसे निकम्मे और निकट्टू भाई की भी तूने शादी करवा दी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? मून पे चले मेरे हाथ। हाथ मत लगा छोटू, आज से इससे दब के रहेगा तू। दादा, इतना भारी वजन है तो दब के ही रहूंगा। हाथ मत लगा आंटी, क्यों मेरे को नरक में धकेल रहे हो? औरत के चरणों में स्वर्ग है, निकाल, चल। चल तुझे कुछ खिलाती हूँ, चलना चलना मेरे पत्ता गोभी। अबे चल, क्या चल, मेरे को तेरे साथ नहीं जाना, जबरदस्ती मत कर, भाग जाऊंगा मैं। जल्दी चलना, बजाओ पिपुड़ी। भाई आप भी इस मंडप पे सेट हो जाओ। क्या बोलता है, जीवन बीमा कर डालू? प्रीमियम तेरे को ही भरना है, घी खिचड़ी में और खिचड़ी पेट में, तैयारी कर ले पंडित। पिपोड़ी बजाने का मुहूर्त निकाल है। ये सासू माँ, सत श्री अकाल जी। जय जिनेंद्र, पंजाबी हो? हाँ जी, सीधा जलंधर तो आया। वहाँ शादी नहीं कर रहे, इधर आ गए? वहाँ मुझे कोई लड़की नहीं देता, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। वहाँ कैरेक्टर डील है, यहाँ की लड़कियाँ बहुत डेंजरस है, गले की घंटी बन जाएगी। वहाँ मैरिज ब्यूरो नहीं है क्या? वहाँ तो बहुत है, पर एक साल की गारंटी आप ही देते हो ना? एक साल की गारंटी नहीं बेटा, खाली वारंटी। अच्छा, कुड़ी दिखाओ। कुम्बार के बाड़े में बहुत सी गधी घूम रही है, पकड़ ले और मंगलसूत्र पहना ले। ए पटाका, ठीक है, दूर हट गधे, ये मेरी गधी।